हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वे वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन सो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल पे पर so गाइस जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग हिस्ट्री की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं साथ ही साथ कंटिन्यूएशन में हम लोग और कोर्सेज भी रखें मेक श्योर करें कि आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें लाइक करें और हमें बताएं कि कौन कौन सी और जैसे कि कुछ बच्चों को फिलासफी चाहिए जोग्राफी और जियोलॉजी ये तीन की डिमांड है तो वो सारी चीजें मैं कंप्लीट करूंगा तो गाइज मेक श्योर करें कि आप लोग सारी चीजों को अपने दोस्तों में शेयर करें और जो भी आप लोगों को नए कोर्सेज चाहिए वो भी उसके बारे में बताए चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक सेकेंड गाइज गो फॉर इट्स ओके हाय हाय थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग गाइज मेक श्योर की आपनी पढ़ाई करते हैं चलिए एक बढ़िया सा थॉट है गाइस उसे पहले हम लोग कर लेते हैं क्लियर उसके बाद आगे बढ़ते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की सेइंग है कि इवर इफ देर इज अ स्वॉर्ड इन हैंड्स ऑफ एवरी वन इट इज विल पावर मोर देन एनीथिंग इट इज विल पावर दैट स्टैब्लिश अ गवर्नमेंट तो देखिए बोले अगर हम सबके हाथों में तलवार बंदूक गोलियां भी दे दें सब कुछ दे दें लेकिन गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने के लिए ये लोगों के एक साथ आने की जरूरत है लोगों को एक साथ आना पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट जो लोगों की भलाई के लिए काम करें अगर आपको चाहता है कि वो गवर्नमेंट आए सो इट इज अ ग्रेट ऑल मस्ट फॉलो गवर्नमेंट रिलेटेड हिस्ट्री में एक थॉट है तो हम इसी के लिए इसका यूज करेंगे कि हम ऑल इंडिया टुगेदर रहें साथ में रहें और लेके भारत को आगे जाए भारत में अच्छी गवर्नमेंट स्टेब्लिश करें और जो हम बोलते हैं कि भारत विल विश्वगुरु होना चाहिए वो सच में भारत हो पाए करते हैं गाइस एक सेकेंड चलो तो हमने लास्ट टाइम जो किया था उसके अंदर हम लोग इकोनॉमिक इशू करने वाले थे गाइस उसके पहले पोस्टल जो हमारे थे इंडिया के अर्बन और रूरल स्कीम्स हमने बहुत सारे देखे थे बहुत सारे गवर्नमेंट के करंट इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी हमने देखी थी गाइस साथ ही साथ यस 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 आई नो यस आई नो आ, आ, उसकी कोशिश चालू रहेगी गाइस से कंप्लीट कर दूंगा मैं इकोनॉमिक्स भी चलिए एन हियर टू हैव ऑफ ग्रोथ ग्लान इंडिया में कैसी रही थी हम लोग ऊपर देख चुके हैं अभी देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डिस इन्वेस्टमेंट करना मतलब क्या आगे जानेंगे हम लोग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करंटली जो अभी

इसमें से समझिए गवर्नमेंट कुछ पैसा बे, आ, कुछ पार्ट बेचना चाहती है कुछ शेयर बेचना चाहती है फिफ्टी परसेंट परसेंट शेयर बेचना चाहती है वन लाख करोड़ में और ये अब हम आप कोई भी प्राइवेट वाले खरीद सकते हैं सो so, इसी गवर्नमेंट के जो हंड्रेड परसेंट से फिफ्टी परसेंट आने के जो तरीके होते हैं उसे हम लोग जो तरीका गवर्नमेंट अपनाती है और साथ साथ जो गवर्नमेंट ये स्टेप ले रही है इसे डिस बोलते हैं फिलहाल में गवर्नमेंट का एम्बिश टारगेट रहा है बहुत हमेशा से सिक्स लाख ,00 करोड़ का वो अटरली फेल हो गया है अब एक मॉडर्न पॉलिसी चालू की है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ये करंटली अभी एक हफ्ते पहले न्यूज में आया मैं 2021 में ये वीडियो बना रहा हूं अगस्त महीने में क्योंकि डिस इन्वेस्टमेंट इसी को बोलते हैं इसके फायदे होते हैं कि प्राइवेट आते हैं तो प्रोफेशनलिज्म भी आती है टेक्नोलॉजी भी आती है और डिसिप्लिन आता है वर्कर्स के अंदर तो इससे क्या होता है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है हाँ अब इसमें क्या होता है एक चीज़ आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट अपने हाथ पीछे ले रही है उतने जॉब जनरेट नहीं करेगी हायर एंड फायर की पॉलिसी भी चलेगी फट से निकाल देंगे परमानेंसी नहीं रहेगी कि एक बार आप लग गए तो लग गए आप एक दो साल में निकाले भी जा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप काम कर जाओगे तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं तो प्रोवेजर एंड कॉन्स हमेशा रहते हैं लेकिन गवर्नमेंट भले ही डिस इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिस्ट्री बना दे कोई पॉलिसी ला दे लेकिन गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट के बाबू साहब है जो आई गाइस वो बहुत सारी आ, हर्डल्स लेके आते हैं और रेड टेपिज्म को प्रमोट करते हैं द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग इट्स इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर्स लाइक माइनिंग में पेट्रोलियम रिफाइनरीज में तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे हर जगह प्राइवेट लोग आ चुके हैं रोड्स रेल हाईवेज शन फॉर इन्वेस्टमेंट इन दीज सेक्टर्स आर नाट परमिटेड अब ये सब में क्या है फॉरिन इन्वेस्टमेंट मतलब कि इंडिया वाले तो इन्वेस्ट कर सकते हैं प्राइवेट वाले बाहर के लोग भी इसमें पैसा डाल सकते हैं अमेरिका से यूरोप से कहीं से और से भी अगर लोग चाहें तो वो पैसा डाल सकते हैं इन सारी स्कीमों में सो so गाइज ये है हमारी डिस इन्वेस्टमेंट की पूरी मीनिंग और गवर्नमेंट का एम कौन कौन से सेक्टर जैसे, सेक्टर जैसे सेक्टर सेक्टर कि गवर्नमेंट बहुत सारे पैसा डाल सकता है। या हमारे इंडिया का भी कोई जो रहता है पैसा डाल सकता है तो ऐसे कुछ सेक्टर जो सिक्योरिटी पर्पज के लिए रहते वहां पर अलाव नहीं करते हम लोग द पॉलिसीज ऑफ प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन प्रॉपरली नोन खौजा एक्चुअली इसको बोलते एलपीजी रिफॉर्म ये कुछ और ही बोल रहे हैं। हम लोग शायद से लोकल लैंग्वेज में खौजा मतलब खुल जाए सारी चीजें उसको बोलते हैं बूस्टेड द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियन कंपनीज एंड सम ऑफ देम एस्टैब्लिशड इन द ग्लोबल मार्केट्स बाय Acquiring foreign companies in the steel pharmaceutical tire production and also automobile sector तो देखिए बाहर वाले इंडिया में आए सो इंडिया के भी इन्वेस्टर्स बाहर पैसा डालते हैं प्रॉफिट के लिए मिनिस्ट्री इसमें टाटा का आप नाम सुनेंगे हर एक अच्छे अच्छे जो रहेंगे उनका नाम जरूर सुनेंगे मारुति का नाम सुनेंगे महिंद्रा का नाम सुनेंगे आप अंबानी जी का अदानी जी का सबका नाम सुनेंगे जो फॉरेन में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इन 2016 थाउजेंड सिक्सटीन मिनिस्ट्री ऑफ डिस इनवेस्टमेंट वॉज एज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट दीपम सो so, नाम बदला कि ये एक अलग से रहेगा जो फोकस करेगा डिस इन्वेस्टमेंट और पब्लिक एसेट को कैसे मैनेज करना बहुत कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं हुआ है डिस इन्वेस्टमेंट के टर्म में इंडिया में इसलिए बहुत आउटस्टैंडिंग आप लोग को बातें भी नहीं बताई गई हैं नंबर्स के टर्म में आप लोग देखे रहेंगे जब स्कीम सक्सेसफुल होती है तो गवर्नमेंट उसमें बहुत अच्छे से बताती है कि देखिए डेटा में कितने गाँव में लग गया है जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक आपको बात ही बता दो जब ग्राउंड पे काम होता है तो आप लोग लास्ट टाइम देखे थे यहां पे देखिए कितने पॉपुलेशन पे लगने वाला है कितना सारा हो चुका है सिर्फ 2005 से क्या क्या सारे चीजें थी कितने किलोमीटर बनाए जा चुके हैं कौन से गांव कनेक्ट हो चुके हैं कौन से नहीं ऐसे डिटेल में पता रहता है जो चीजें नहीं अच्छे से हो पाती इंडिया में अब इंडियन पोस्ट के बारे में देखिए एटी पोस्ट ऑफिस हैं कितने करोड़ थ्री लाख करोड़ उसने कितने तक का बिजनेस किया मतलब इतने सिर्फ हैंड किए थे कल हमने ये सब बहुत सारी चीज़ें ये देखी ये सब सारी चीजें हमने जानी थी लास्ट लेक्चर में

जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हारे थे उसके बाद की जो पहली कांग्रेस सरकार थी पांच साल वाली उन्होंने बनाया था उसके अंदर यह गाइज आपका राइट टू एजुकेशन भी आया था राइट टू इंफॉर्मेशन भी आया था सब पहले वाले के टर्म में ही हुआ था सेकेंड उसी की वजह से वो सेकंड इलेक्शन भी जीत गया लेकिन सेकेंड वाले में करप्शन जो था वो बहुत ज्यादा बोलबाला था उसका और वो हार गए इट्स नेम इज फॉर्म्ड बाईड दर्स्ट लेटर ऑफ नेम्स ऑफ पार्टिसिपेंट कंट्रीज उसके कंट्री उसी से ये बना हुआ है तो उसका नाम आप लोग को बता दिया दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज ऑफ विदिंग ट्रेड उसका एम बड़ा एम क्या था और साइड बाय साइड चीजें भी ध्यान में दी जाती है लेकिन जो सबसे बड़ा एम था जिसके बनाया गया था वो था इकोनॉमिक ट्रेड के लिए गाइस इकोनॉमिक ट्रेड से रिलेटेड था ये कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेवेंसनाइज इन ब्राजील हर साल कॉन्फ्रेंस होता है कॉन्फ्रेंस मतलब जहां पर मिलकर बैठते हैं सब पॉलिसी लीडर्स द थीम ऑफ कॉन्फ्रेंस वॉज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेटिव फ्यूचर तो आप लोग को हर साल गाइज़ ये अपडेट करते रहना अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो दो हजार बाईस में कौन सा है होगा दो हजार इक्कीस में कौन सा है ये पता रखना चाहिए आप लोगों को सब्जेक्ट लाइक टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन डिजिटल इकोनॉमी इंटरनेशनल क्राइम फाइनेंशियल स्कैम्स तो देखिए जैसे कि मैं बता रहा था सिर्फ ट्रेड एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है वो होना चाहिए लेकिन इसके अलावा टेक्नोलॉजी भी शेयर होगी ये सब सारी चीजें भी उसके अंदर आ जाएंगे अब चलते हैं साइंस एंड टेक की तरफ साइंस स्टडी होती है साइंस की पढ़ाई की वजह से टेक्नोलॉजी बनती है जैसे किसी ने पढ़ा तो इसके बाद ये पैड और ये पेन बना दिए ये टेक्नोलॉजी है ओनली अ फ्यू इंस्टेंसेस सिग्निफिकेंस आर मेंशन इन दिस पार्ट अ सुपर कंप्यूटर नेमड परम 8000 वाज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ सीडैक बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक के बारे में और इंफॉर्मेशन गैदर करना दोस्तों और बताना कि ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है आप लोग का कल का क्वेश्चन uh, जैसा पूछा तो उससे जैसा आज भी ये क्वेश्चन है तो आप लोग ये सब सारी चीजें आंसर करने की कोशिश करना दोस्तों इन 1990 और ये पुणे बेस है ऐसे ये अकेला सुपर कंप्यूटर नहीं सुपर कंप्यूटर्स कैसे होते हैं गाइस ये बहुत बड़े होते हैं जैसे आपका हमारा लैपटॉप होता है उससे कई गुना बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर्स देख लीजिए आप लोग इसमें जो सबसे तेज है सबसे तेजी वाला उसमें चाइना लीड कर रहा है यूएसए लीड कर रहा है सुपर कंप्यूटर से बहुत सारी चीज़ें बहुत कम टाइम में ज़्यादा फास्ट मैनेज की जा सकती हैं ह्यूमन का वर्क एफर्ट कम होता है अब इसमें जो आ, ये देखिए कितने बड़े बड़े रूम है देखिए कोई एक डील कर रही है डेटा स्टोर करके रखा जाता है जैसे आपका कंप्यूटर में सिर्फ आ, एक टी होता है पाँच सौ होता है ये इतने बड़े होते हैं देखिए ऐसे सेट हैं पूरे लगाए गए यहाँ पे ये देखिए ऐसे कितने सारे लगाए जाते हैं रो में पूरे ठीक है तो वही परम 800 है हमारा परम 800 हंड्रेड इज नथिंग बट सुपर कंप्यूटर ओनली पुणे में है सो so, पी से याद रखिए पुणे इसके अलावा और भी हम आप भारत के सबसे अच्छा मुझे बताइए कौन से यूनिट में कौन से यूनिट में सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड नापी जाती है जैसे कि आप बोलते हो आपकी कंप्यूटर की स्पीड बोलते हो फोर जी रैम है

इंडिया वन इट्स प्लेस अमंग दीडिंग कंट्रीज विदेक्नोलॉजिकल नोहा ऑफ कंप्यूटर मेकिंग इंडिया बहुत ये उसी एरा के बारे में बात है आप लोग एक और काम काम आज बहुत देंगे हम आपको पता करना कि जो इंडिया ने पोखरण टू कराया था उसका वन ऑफ द रीजन था कि बताना हमको कि हम पाकिस्तान सबको हमारी कंट्रीज को हम या चाइना को बताना कि हम मिस, हम मिसाइल डेवलप कर सकते हैं और मिसाइल भी डेवलप किया लेकिन सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रीजन था गाई पूरे वर्ल्ड को बता देना कि साइंस एंड टेक में इंडिया पापा हो चुका है जी हाँ पापा है पापा है पापा है इंडिया और उसके वजह से पूरे वर्ल्ड के जो बड़े बड़े लीडर लीडर्स हैं उनका भरोसा जागे फिर उनकी कंपनियों का भरोसा जागे इंडिया में पैसा डालें अपनी टेक्नोलॉजी लेके आए कंपनी लेके आए और हमारे जो इंडियंस हैं वो भी पैसा इंडिया में डालना शुरू करें तो पोखरण टू करने का मेन रीजन वो था आप देखिए उसी एरा में सुपर कंप्यूटर भी हमने बनाया और वर्ल्ड का कॉन्फिडेंस गेन किया तो इस तरह से ल, आ, किया जाता है लेकिन पोखरन टू को लेके पान की टपरी पे यहाँ जो डिबेट रहता है कि इंडिया ने बता दिया कि हम मिसाइल में हैं ये सब है बहुत ज्यादा ही मतलब जो अपफ्रंट रहता है जो रियल रीजन है वो बहुत कम लोग बता पाते हैं और जान पाते हैं मैं भी इसी तरह से बुकों में ही जाना और डिबेट्स के थ्रू जाना कि अच्छा ये भी ये रीजन था एक्चुअल में ठीक है दोस्तों अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ अपने को जाना है सर चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आप लोग के जो भी डाउट्स हैं वो भी बताते रहिए उसे भी हम लेते रहेंगे डिस्कस करते रहेंगे इन 1999 अ प्रोजेक्ट क्रिएटिंग फॉर क्रिएटिंग स्टिल फर्दर वर्जन ऑफ परम 10,000 वाज वॉज एंड दिस कंप्यूटर वाज रीनेम्ड एज परम पद्म परम पद्म डेडिकेटेड टू नेशन इन 2003. तो ये देश के हाथों में दो हजार तीन में दे दिया गया तो यहाँ पे हमारे इंजीनियर साइंटिस्ट काम में आते हैं जो देश की इकोनॉमी को ओवरऑल आगे लेके जाते हैं द इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वॉज बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन तो हमारी सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री क्या हुई फायदे में आई जैसे कि आप लोगों को मालूम है जो कंप्यूटर आए थे वो ट्वेंटी सेंचुरी में आए थे तो जो उसमें बहुत सारे कोडिंग इन्वॉल्व थी डेट थे ईयर से इन्वॉल्व थे फिर उसके बाद अचानक से हम लोग ट्वेंटी फर्स्ट में एंटर सेंचुरी में एंटर करने जा रहे थे तो ईयर्स चेंज करने वाले थे क्योंकि इस पहले तो नाइन एटी नाइन लिख देते थे तो अपने आप समझ जाते थे नाइनटीन एटी नाइन है लेकिन इसी तरह से इलेवन लिख देते तो मालूम पड़ जाता नाइनटीन इलेवन है लेकिन ऐसे ही इलेवन तो दो भी होगा दो भी होगा तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के सिस्टम को चेंज करना था और उसकी जो डेटिंग सिस्टम एनालिसिस सिस्टम को करेंट या जो ट्वेंटी से मैच करना था और यहाँ पे रोल आया इंडिया के जो इन्फोसिस जैसी कंपनियां थी वो स्टैब्लिश हो गई तो वो बैठी इंडिया में ही थी वर्क आउटसोर्स किया यूएसए की कंपनियों ने सब ने प्रोजेक्ट देना शुरू कर दिया इंडिया के बेंगलुरु बेस्ड चेन्नई बेस्ड कंपनीज को और उसी की वजह से इंडिया का बोलबाला हुआ लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन मतलब जब बाहर वाले और इंडिया ने भी खोला खुद को तो देखिए प्रोजेक्ट आने शुरू हो गए थे द central गवर्नमेंट फेवरेबल पॉलिसी फॉर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फोर साइटेडनेस ऑफ इंडियन foresightness फोर साइटेडनेस मतलब इस टाइम के जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो बहुत दूर का देख चुके थे कि वर्ल्ड में क्या चेंजेस आने वाले हैं द नेशन वाइड स्प्रेड ऑफ कंप्यूटर तो हमारे यहाँ पे हर जगह कंप्यूटर मोबाइल भी बट रहे थे आई टी कंप्यूटर इंजीनियर्स are ऑल्सो प्रोफिशियंट इन द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्टेड इन ट्रेमेंडस इंक्रीज इन इंडियन एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इट इंक्रीज फ्रॉम थ्री पॉइंट फाइव परसेंट टू मोर ट्वेंटी इस तरह का भारत की हम लोग अपेक्षा रख सकते हैं कि नहीं इस तरह से कुछ करें हम लोग कुछ बहुत खतरनाक कर गुजरे जिससे वर्ल्ड में हमारा बोलबाला फिर से आ जाए अभी भी है लेकिन इस तरह का हो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इंडिया बेचना सॉफ्टवेयर क्या होता है गै? जैसे कि आपकी एप्स हो गई वो सब सारी चीजों में इन 1995 द इंटरनेट सर्विसेज बिगेन इन द इंडियन मेट्रोपोलिस इंडिया के बड़े शहरों में इन 2004 टाटा कंसल्टेंसी वाज़ द बिगेस्ट फॉर्म इन एशिया प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज आपको कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए अपनी कंपनी के लिए जैसे कि आपको मैनेज करना है कौन एबसेंट था कौन प्रेजेंट था फिजिकल नहीं करना है आपको सॉफ्टवेयर से मैनेज करना है इसके अलावा बहुत सारी आपको डेटा की एंट्री करनी है ट्रेडिंग करवानी मतलब बहुत सारी चीजें करवानी है सॉफ्टवेयर चाहिए आपको तो टाटा जो कंसल्टेंसी थी वो सर्विसेज आपके कंपनी के अकॉर्डिंग आपके प्रिवेसी को बिना ब्रिज किए देना शुरू की थी पुणे बेंगलुरु डेवलप्ड एज अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब आईटी हब बोला गया इनको डटराइट बोल दिया गया इंडिया का इन सबको द पॉपुलेशन इन द सिलिकॉन वैली सॉरी बोला गया बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली बोल दिया गया इंडिया का एक टाइम पे इन द फील्ड ऑफ साइंस इंडिया टू प्रूव न्यूक्लियर स्ट्रेंथ कंडक्टेड अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट टू टाइम्स एट पोखरण राजस्थान में ये तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया इसका इंपॉर्टेंस क्या था फर्स्ट इंदिरा गांधी जी ने किया था सेकेंड वाला नरसिम्हा राव ने स्टार्ट कराया था लेकिन उनकी सरकार हार गई फिर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ग्रेट लीडर आए जिनकी तीन महीने की सरकार थी लेकिन उन्होंने फिर भी बोला कि देश के लिए मैं ये करवाऊंगा भले हमारी सरकार गिरे चाहे जिसमें कुछ भी हो उन्होंने वो टेस्ट करवा दिया और इंडिया को एक बहुत अच्छे मुकाम पर लेके चले गए अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल वो सब चीज़ों से वो उठे और अच्छा करके गए भारत के लिए इंडियन सैटेलाइट ओशियन सैट वन

बी एस एन एल निगम लिमिटेड धीरे धीरे सरकार इनको भी जब आप गवर्नमेंट तो वो करने वाली है वो स्टैब्लिश टू प्रोवाइड सर्विस लाइक सेलुलर फोन मोबाइल फोन एंड इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड तो स्टार्ट में किया था बीएसएनएल ने ये इसी तरह की बात है कि जैसे गाइज स्का लॉकडाउन के पहले बहुत फेमस था किसी से बात करने के लिए कई पर्सन को लेकिन इसने बहुत सारा मार्केट क्रिएट कर गया लेकिन इसका मार्केट खा गया जूम इसी तरह से बी ने ग्राउंड वर्क बहुत ज्यादा किया था लेकिन जियो एयरटेल और वोडाफोन जैसे बड़े कंपनी आज जो हैं उसका बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं और मतलब उठा क्या रहे हैं वो कर रहे हैं रेस में आगे हैं सस्ते में दे रहे हैं सारी चीजें तो वो तो आगे बढ़ना बनता ही है इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन मतलब क्या देखिए जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो साल में एक बार मिलते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि भारत के लिए क्या करना है नई टेक्नोलॉजी में क्या करना है In 2007 अभी भी हम चल पहली बार हमारे जो इसरो ने पैसा लिया इटली का सेटेलाइट ऑर्बिट में भेजने के लिए अर्थ से बाहर सेटेलाइट भेजने के लिए जी हाँ अब तो देखेंगे आप नासा के भी हम बहुत सारे कंट्रीज के सस्ते में भेज देते हैं क्योंकि वी आर वेरी चीप मतलब हम लोग बहुत सस्ते में भेज देते हैं और दूसरी चीज़ है कि नासा और वो सब जो स्पेस एजेंसीज है वो अभी बड़े प्रोजेक्ट पे ध्यान देनी तो वो सोचते हैं कि ये जब इंडिया कर ही रहा है तो इनको दे देते हैं अदर नेशंस हैड सबमिटेड टेंडर्स कोटिंग वेरी हाई रेट्स टू गेट दिस कॉन्ट्रैक्ट हाउ वर इंडिया गॉट दिस कॉन्ट्रैक्ट बाय कोटिंग रिजनेबल रेट्स तो इंडिया का प्राइस बहुत कम था जैसे मैं बोला कुछ लोगों को चीप बोलूंगा मतलब चीप रेट बोलूंगा तो कुछ लोग के अंदर देश

तो ये गुडविल के जेस्टर में मदद करने के लिए भी करता था इन टू थाउजेंड इंडिया लॉन्च चंद्रयान वन द फर्स्ट प्रोब लुनार मतलब चांद बोलते हैं प्रोब मतलब पता करने के लिए चांद के ऊपर पानी का उसके स्ट्रक्चर को पता करने के लिए थ्रू द इन्फॉर्मेशन सेंट बाय द चंद्रयान वन इंडिया कुड कलेक्ट एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द मून गाइस आज को आपको रियलिटी बता दूं जो चंद्रयान है वो जो डेटा भेजा था सैटेलाइट तो वो ग्राउंड पे इंडिया के पास है उसको आज तक हम कंप्लीटली एनालाइज नहीं कर पाए कंप्लीट एनालिसिस उसकी हो ही नहीं पाई आपको बात ये मालूम है एक ही चीज हम लोग से पता कर पाए मून उसके अलावा बहुत सारे डेटा और है लेकिन हम लोग हम लोग उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं आफ्टर दैट इंडिया ऑल्सो लॉन्च चंद्रयान टू एंड मंगलयान चंद्रयान टू चंद्रयान वन का बड़ा भाई ठीक है वी वी पैट आप लोग टेंथ में पढ़े थे कि इसमें अब इलेक्शन में जैसे बोल रहे थे मोदी जी की गवर्नमेंट पे सब लोग शक कर रहे थे कि हम बटन कहीं और ई मशीन में बटन किसी समझिए बीजेपी है कांग्रेस और आपकी सरकार तो हम कांग्रेस आपको दबा रहे जा रहा है वोट बीजेपी को तो इलेक्शन कमीशन वी वी पैट के थ्रू आई कि देखिए डबल चेक करते हैं अगर आप बीजेपी अगर समझिए आप कांग्रेस को दबा रहे हैं या बीजेपी को ही दबा रहे हैं तो बीजेपी का एक लिफाफा कमल यहाँ दिख जाएगा कैंडिडेट का नाम दिख जाएगा वो इसमें ड्रॉप बॉक्स में आपको आके अपने आप देखेंगे तो आप चेक कर सकते हैं और आप नहीं भी चेक करें तो बाद में काउंटिंग होगी समझिए पे इसमें बटन दबाए गए थे सौ लोग याद रख लीजिए दो है लोकसभा इलेक्शन में तो रिसेंट है ये बहुत अब डिफेंस अफेस कर लेते हैं मतलब हमारी बड़ा फेवरेट टॉपिक है आजकल तो बड़ी सारी मूवी बन रही है डिफेंस के ऊपर हम लोग आज अच्छी चीजें कर रहे हैं लेकिन मस्त मूवी बन रही है हर कोई जो पहले सोया हुआ था वो अब जाग जा रहा है डिफेंस पिक्चरों के साथ ही तो ये सब डिफेंस हमारे जो पास में हमने पाकिस्तान और हर जगह किए थे उनके साथ जो लड़ाइयां करी थी हमने उसी के बेस पे हैं गाइस ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं इन 1999 पाकिस्तान इंक्लूडेड कश्मीर दिस इंट्रूज स्टार्टेड अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड दिस वॉर वॉज फॉट इन दारगिल द्रास एरिया इन लद्दाख ले लद्दाख दो अलग अलग थे ले अलग है लद्दाख अलग है तो लद्दाख में घुसे थे मतलब नाइनटीन फोर्टी सेवन में गाय इस एंटर किए ही थे तो उस टाइम पे तो पी ओ के बन चुका था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आ चुका था एल ए सी आ चुका था लाइन बन चुकी थी अब ये नाइनटीन नाइनटी नाइन में फिर से भारत में एंटर करना चाह रहा था फिर हमको जो एंटर था मोसाद ने दिया मुसाद मतलब इसराइल की जो ये सब एजेंसीज उन्हें बताया कि देखिए आप सोच रहे हैं कि वो एंटर कर रहा है लेकिन वो आपके बहुत सारे बेसिस में ऑलरेडी प्रेजेंस हो चुके हैं उसके फिर इंडिया ने उसी हिसाब से हमारे जो एयरक्राफ्ट थे लॉन्च किए और उसके बाद उन लोग को धराशाही कर दिया हैंस इट वॉज नोन एट द कारगिल वॉर कारगिल जगह पर हुई थी इसलिए इसका नाम कारगिल रखा गया इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज ऑपरेशन विजय बाई इंडियन आर्मी ऑपरेशन विजय वॉज सक्सेसफुल एंड इंडिया इमर्ज विक्टोरियस इन इट तो फ्रांस ने हमको कॉपरेट किया था हमको सामान दे के देके हमने हमारे पास यूएसए के भी हेलीकॉप्टर्स एंड मशीन्स थे लेकिन हमने यूज़ किया और यूएसए ने बाद में हम पर ट्रेड सैंक्शन लगा दिया कि तुमने हमारे फ्रेंड कंट्री पाकिस्तान पे यूज़ कैसे किया क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर पॉलिसी एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यू कैन नॉट यूज़ यू का आर्मामेंट अगेंस्ट द यू की फ्रेंडली कंट्रीज तो उस टाइम पर और अभी भी पाकिस्तान फ्रेंडली कंट्री है यू की लेकिन हमको फ्रांस ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था उस टाइम पे और इसराइल का आउटस्टैंडिंग इंटेल और वो सब में हमारा था दिस वॉर अलर्टेड द इंडियन अथॉरिटीज फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री इसके बाद हमारी कारगिल वॉर के बाद कारगिल रिव्यू कमेटी बैठी कारगिल रिव्यू कमेटी के रिकमेंडेशन था जैसे कि आपको एक सेंट्रल डिफेंस स्टाफ बनाना पड़ेगा जो क्या करेगा जैसे कि आप लोग की अभी हम लोग देखते हैं कि हमारी आ, जो एयरफोर्स है नेवी है और जो मिलिट्री हमारी आर्मी जो वो सब तीनों अलग अलग काम कर रही हैं तो उनका एक हेड होगा जैसे यूएसए में है जो कोऑर्डिनेशन का काम करेगा तो ये वन ऑफ द रिकमेंडेशन थे इसी के अलावा हमको और हमारे जो तेजस करके था एयर एयरक्राफ्ट थे वो सब डिले होते हैं इंडिया में मिग था वो आउटडेटेड थे तो वो सब को प्रोडक्शन को अच्छे से किया जाए स्ट्रीमलाइन ये ये कारगिल कमेटी की रिव्यू कारगिल रिव्यू कमेटी का रिकमेंडेशन था आ, बार बार इंडिया में कोशिश क्या है किया जा रहा है आए दिन है लेकिन करप्शन की वजह से प्लस साथ ही साथ क्योंकि अभी बोलते हैं कि आप लोग पढ़ते होंगे कि गाइस डीआरडीओ अच्छा काम करती है फिर इसी तरह से हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है आप इनके रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो इनके अंदर एक एक प्रोजेक्ट कितने सालों से चल रहे हैं इतना स्लो ये लोग आउटपुट दे रहे हैं और डिले तो है साथ ही साथ इसके अंदर करप्शन के भी केसेस पाए गए तो ये सब सारी चीजें सुधरनी चाहिए जो कारगिल वॉर तो जीत गए लेकिन जीत के बाद का जश्न और अच्छा हो उसके लिए कारगिल जो कमेटी के रिकमेंडेशन है आज भी साइड कर सकते हो अपने आप एग्जाम्स में इसीलिए आप देखोगे कि मॉडर्नाइजेशन की नीड मालूम पड़ी तो हम लोग जीत गए थे लेकिन उस टाइम पे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो जीती वो बहुत स्मार्ट थे उन्होंने देखा कि भैया जीत तो गए हैं हम लेकिन हमको ऐसा नहीं है कि पूरा अंधा हो जाना है पूरा क्या पूरा कि एकदम जो चल रहा है हम लोग जीत गए जीत गए खुशियां मनाना शुरू कर दें हमको अलर्ट रहने की जरूरत है कि भैया ऐसा ना हो कि फिर अगली बार हो और हम लोग फिर से पुराना सामान जो गलतियां किए तो फिर से रिपीट करें तो उसके लिए सुधारने की हमको जरूरत पड़ी प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग मिलिट्री इक्विपमेंट एंड आर्म्स ट्रेनिंग एंड वे फर्दर इंटेंसिफाइड फिर से उसे बढ़ा दिया गया था और इन टू इंडिया सक्सेसफुली बिल्ट अ स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन वो होती है क्या देखिए सबमरीन क्या होती है पनडुब्बी तो सबमरीन क्या होती है पानी के अंदर रहती है तो उनका पूरा गेम कितने टाइम तक जो बंदे हैं वो पानी के अंदर छुप के रह सकते हैं ना उस पंडुब्बी के अंदर सबमरीन्स देख लीजिए आप लोग गाइस सो so, कितने देर तक पानी में रहते हैं वो लोग ताकि दुश्मन को पता ना चले दुश्मन जब नेवी लेके आए तो हम भरभर भर अटैक कर दें उसके ऊपर तो ये सब का फायदा होता है अब तो गाइस जो सबमरीन्स थे वो नियरली बैटरीज पे या इसी तरह से चलते थे हमारे डीजल पेट्रोल पे चलते थे तो वो क्या होता है और इसी तरह से ऑक्सीजन की उसके अंदर कमी भी होती है तो ऊपर सरफेस पे जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो ये ब्रीथ करने के लिए रिफ्यूलिंग करने के लिए वापस से सरफेस पे आ जाते हैं देख रहे हैं मित्रों ये वापस से सरफेस पे आ जाते हैं एक सेकेंड ये देखिए ये रिफ्यूलिंग कर रहे हैं यहाँ पे ये रहते हैं अदरवाइज ये पूरे डूबे कहा रहते हैं गाइस पानी के अंदर रहते हैं ये ये सरफेस पे दिखाई नहीं देते सो so, जो न्यूक्लियर वाला है गाइस जो न्यूक्लियर था उसका फायदा क्या होता है? था कि ये नंबर ऑफ डेज कई महीनों तक ये बिना ऑक्सीजन की नीड के ऊपर ये अंदर रहा जा सकता है छुप के किसी को पता भी नहीं चलेगा सो so, वो जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सब्मी थी इंडिया दो में बिल्ड कर लिया था अब ये

इंडियन एंटरप्रन टू इन दिस प्रोजेक्ट तो इसमें क्या थे मिलिट्री एंड ऑल्सो कंबाइंड एक्सरसाइज विदिली ऑफ अदर नेशन अच्छा बहुत सारी सी देखिए रशिया अगर समझिए रशिया आज क्या कर रहा है हमको बैलेंस कर रहा है पाकिस्तान से इंडिया को बैलेंस कर रहा है गाइज एक टाइम पे हमारा बहुत अच्छा दोस्त था अब उसके दोस्त बढ़ गए तो वो इंडिया को सोचता है कि इंडिया को अगर कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा तो बोलेंगे पाकिस्तान से करवा देंगे चाइना कर लेगा वो एग्रीमेंट हमके साथ तो हमको धमकियाँ देता है इन काइंड kind ऑफ of, तो अब बैलेंस कर रहा है और इसी तरह से आप गाइस कोई भी देख लीजिए चाहे मिग सीरीज हो चाहे उनके कोई भी जो पहले के वो जो हमको एयरक्राफ्ट या फिर कोई भी गन्स देते थे गाइस वो सेम पाकिस्तान चाइना को भी देते थे तो बोलते थे इनकी इंडिया हम लोग बार बार बोलते थे कि अरे रशिया तू सबको दे रहा है तो वो लोग को भी पता चल जाए कि इंडिया के पास क्या है इंडिया के पास कितने नंबर्स में इंडिया कितना अटैक कर सकता है कितनी बंदूक है कितनी गोलियां और कहाँ कहाँ पे उसकी दिक्कतें क्या होंगी तो ये सब पता चल जाएगा तो रशिया क्या बोलता था नहीं तेरा जो पूरा और ऊपर से अभी समझो कि ये सब में सॉफ्टवेयर भी रहता है तो वो सॉफ्टवेयर ही हैक कर लेंगे तो क्या बोलता था रशिया कि नहीं चाहे इंडिया तेरे को अलग कॉम्बिने अलग, अलग काइंड ऑफ़ देता हूँ जिसकी अ, जो अलगौर था अलग है चाइना को अलग देता हूँ रशिया इसी तरह से पाकिस्तान को अलग देता हूँ तो इंडिया बोला बेटा आप मत घबराओ हम फ्रांस से भी लेंगे राफल ले लेंगे यूएसए से भी लेंगे सबसे अब हम लेना शुरू करेंगे यूएसए एस से अब हम बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दिए और लिटरली रशिया पे डिपेंडेंसी कम की है लेकिन गैस ये सब मिला के भी ये सब मिला के भी क्या हुआ अभी भी हम बाहर की कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है रशिया यूएसए एस फ्रांस इन पे हम डिपेंडेंट हैं तो एक बहुत अच्छा स्टेप जब मोदी जी आए थे स्टार्टिंग में दो हज़ार चौदह पंद्रह में जो हम लोग हमेशा बोलते हैं मोदी जी वो लाइक कि इन्हें कोई हरा नहीं सकता कोई पछाड़ नहीं सकता स्वच्छ भारत अभियान में खुद झाड़ू लेके उतर गए थे बहुत सारी चीजें मोदी जी वॉज लाइक अप फ्रंट थे बहुत ज्यादा तेजी से कर रहे थे लेकिन आज डाउन द लाइन चीजें वैसी उतरी नहीं ग्राउंड पे तो उनमें से एक बहुत अच्छा स्टेप उन्होंने लिया था कि ना हम अपना डिफेंस का सामान खुद बनाएंगे तो इनमें क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि तेजस आज से आपने 25 साल पहले शुरू किया था कितना बना तेजस तो कोई बात नहीं हम लोग बनाएंगे तो आपको बताया ना गाइस क्यों नहीं बन पा रहे इंडिया में हम लोग खुद का डी डी आर डी ओ का और ये इसी तरह से सेंट्रल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये सब में डिले हैं पैसा सरकार टाइम पे नहीं दे पाती आई एस ऑफिसर कई बार इसमें डिसीजन लेते हुए पाए गए तो आई एस ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर है लेकिन डिफेंस में क्या चाहिए ये तो एक आर्मी का ही जानेगा तो सरकार अपना होल्ड छोड़ना नहीं चाहती वहां पे मिलिट्री वाले डिमांड कर रहे हैं कि अरे हमारे बंदों को उसमें हेड करने दो तो ये सब को लेके कंफ्यूजन और इंडिया में बहुत कुछ आगे नहीं जा रहा है फिर प्राइवेट पार्टिसिपेशन को लेके देखिएगा के के डील में जस्ट रिलायंस का नाम आ गया तो कितना बड़ा बवाल हो गया सो तो इंडिया में पॉलिटिक्स भी है अब वो रियल में था या नहीं था तो इंडिया में हर्डल्स है उस चीज को लेके लेकिन ये आइडिया बहुत अच्छा था कि हम खुद बनाएंगे हम क्या बना रहे हैं किसी को पता भी नहीं चलेगा अब उसमें से एक ब्राह्मोस देख लीजिएगा इस ब्रह्मोज एक वन ऑफ द बेस्ट हमारा एग्जाम्पल है कि हमने ये खुद का हमारा एक मिसाइल बनाया हुआ है अभी हम वियतनाम जैसे जो हमारे फ्रेंड कंट्रीज उनको बेच भी सकते हैं सो देखिए हम अब बनाएंगे तो हमारा कॉन्फिगरेशन तो हम जानेंगे क्योंकि हमने बनाया है लेकिन साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे हमारा रिलेशन भी अच्छा होगा हम डिफेंस में वन ऑफ द बेस्ट नोन कंट्रीज भी होते जाएंगे ये अच्छी चीज़ है साइंटिस्ट आएंगे जॉब मिलेगा हमारे लोगों को तो ये अच्छा चीज़ है और ये बहुत बेस्ट स्टेप था लेकिन इसमें आउटकम इसमें क्या हो रहा है स्टार्ट नहीं हो रहा है कागजों पर लिख दिया गया है दुनिया की मुझे सबसे बड़ी दिक्कत या मेरी लाइफ की मुझे सबसे बड़ी दिक्कत या किसी भी स्टूडेंट लाइफ की दिक्कत क्या होती है या जो फेल हो गए या कुछ भी करते लाइफ में हम लोग को क्या दिक्कत जस्ट स्टार्ट नहीं कर पाते हम लोग वो स्टार्ट करना होता है जस्ट किक स्टार्ट करिए उसके बाद दुनिया भर के मोटिवेशन हार्डवर्क वो सब लाते हैं बस स्टार्ट कर दीजिए उसी दिन से स्टार्ट नहीं हो रहा ये स्कीम तो मेक इन इंडिया का ये पार्ट था औरतों का एंट्री किया गया मिलिट्री के अंदर और कंबाइंड डिफेंस मतलब आप बहुत सारे देखोगे एक्सरसाइज करते हैं। हम लोग जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ अपने अपने जैसे हम लोग कैसे पहले भांडी 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 खेलते थे सर घर से तू जा वो छोटी भांडी लेके आ तू जा वो लेके आ तू ये सामान तो मिल के हम लोग खाते पीते थे वो इसी तरह से एक्सरसाइज करते हैं मिलिट्री की प्रैक्टिस करते हैं कि अटैक हो जाएगा तो कैसे करेगे इंडिया लेफ्ट से कैसे आएगी राइट से कैसे आएगी ये कॉपरेशन होता है ठीक है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में चलो दोस्तों आगे चलें कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना यस यस प्रेम हो चो यस यस जियोलॉजी स्टार्ट कर दूंगा जस्ट एक बाय वन बाय वन करते जाऊंगा तो खत्म कर दूंगा मैं ठीक है दोस्तों मैं कर दूंगा उसे भी कर दूंगा बिकॉज हिस्ट्री बहुत पीछे थी हिस्ट्री गाइज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक ही चैप्टर में पढ़ाया था और बहुत उसका कुछ नहीं करता था इसलिए मैं हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट करने का सोचा था अब जो नेक्स्ट टर्म है अब मैं पैरेलली दिन में तीन चार वीडियो बनाऊंगा लेकिन उसमें जोग्राफी जियोलॉजी इकोनॉमिक्स और फिलोसफी ये सब इंक्लूडेड रहेंगे दोस्तों चलो देर इज इंक्रीजिंग फोकस ऑन द एक्सचेंज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो ये सब एक्सचेंज करना चाहते हैं यूएसए अभी भी नहीं दे रहा है यूएसए हमको बोल रहा है कि तू खरीद के ले तेरे को इंडिया में बनाने को तो नहीं देंगे हम लोग तो ये सब सारी चीजें टू फाइट टेररिज्म टू ऑगमेंट आवर ओन कॉम्पिटेंसीज इन ऑप्टिमम यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर एंडिंग टेररिज्म तो वो तो एक तरह से मोदी जी ने अच्छे से कंट्रोल ही कर लिया एक आउटस्टैंडिंग उनका कि पिछले जब से वो टर्म में है टेररिज्म का अटैक नहीं हुआ इंडिया में हुआ था तो वो कश्मीर वाले जोन में तो उन्होंने रिस्पांस दिया था उसको द एक्सरसाइज विथ ओमान मिलिट्री एट बखलो हिमाचल प्रदेश इज अपनी द रिजल्ट ऑफ दीज पॉलिसीज एक्सरसाइज का मतलब जैसे कि आप हम कैसे ये जो फुटबॉल प्लेयर जो रहते हैं कैसे एक्सरसाइज करते हैं बाद में एक्चुअल गेम खेलते हैं कभी हो गया तो इसी तरह से हम लोग उमान उमान ऐसे बहुत कंट्रीज के साथ अनगिनत एक्सरसाइजेस कर रहेगा इस पहले बहुत कम थे लाइक रुद्र काइंड ऑफ इंद्रधनुष काइंड ऑफ इंद्रा ऐसे ही करके थे या फिर जो हमारा था मालाबार एक्सरसाइज लिमिटेड थे अब तो बहुत सारे हर एक कंट्री के साथ हमारे तीन चार तीन चार हैं ठीक है फिर इसी तरह जापान के साथ है रशिया के साथ है बहुत बहुत चाइना के साथ भी है हमारा ठीक है इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है वह एक्सरसाइजेस के अब आप लोग एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ क्या पाकिस्तान के साथ हम कोई एक्सरसाइज करते हैं माला बार एक्सरसाइज है तो समुद्र के अंदर लड़ाई कैसे की जाएगी उसका रहता है एम्बिशियस रहता है अब जो नेपाल के साथ एक्सरसाइज करे तो देखिये वहां से टेररिस्ट आते हैं अब बहुत यासीन भटकल का आप लोग नाम नहीं सुनेंगे वो आ, वो सब जो थे वो सब पाए गए थे क्रॉस बॉर्डर से हमारे यहाँ पे चरस गांजा पैसा और गन्स आर्मामेंट्स न्यूज टेररिस्ट को घुसा के ये सब काम करते रहते थे बॉर्डर से तो उनको वहां पर टैकल कैसे करें इसकी ट्रेनिंग की जाती है माउंटेनियस रीजन में कैसे किसी को ठोक दें कैसे पकड़ लिया जाए वो ट्रेनिंग की जाती है और इसमें जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक नाम आता है इंडिया इंडिया नेपाल बी एस का बहुत बड़ा रोल है देर वेयर कम्बाइंड एक्सरसाइज ऑफ मंगोलियन आर्मी एंड जम्मू कश्मीर राइफल्स एक्सरसाइज ऑफ इंडियन अमेरिका आप लोग ये सब सबके साथ होता है बांग्लादेश इंग्लैंड सबके साथ करते हैं सबके साथ आप सोचिए ना ओमान जैसी एकदम छोटी सी कंट्री रहती है यूएई जैसे जिसका आ, कुछ मतलब एकदम छोटे इन द सेंस पैसे में भी इंडियस छोटे लेकिन वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे ओमान हो गया कतर हो गया ये सब छोटे मैप पे इनका दिखे यानी फिर भी इनके साथ एक्सरसाइज करते हैं हम लोग क्या होता है इसका फायदा क्या होता है देखिए एक्सरसाइज़ करने का के एक और अच्छा तरीका क्या होता है और फ़ायदा क्या होता है समझिए हो, वो लोग इंडिया के साथ एक्सरसाइज किए ऐसे वो लोग पाकिस्तान के साथ भी करेंगे ना ओमान वाले यूएई वाले मुस्लिम कंट्रीज़ हैं यू अमेरिका के साथ भी करेंगे रशिया के साथ भी करेंगे चाइना के साथ भी करेंगे अल्टीमेटली क्या होता है उनको क्या दिखता है कि ये जो चाइना वाले रशिया वाले अमेरिका वाले पाकिस्तान वाले अच्छे नहीं है इंडिया के साथ ना हमको मज़ा भी आ रहा है इंडिया हमको सिखा भी रहा है इंडिया हमको प्रोटेक्शन करने को भी दे रहा है टेक्नोलॉजी भी दे रहा है सीक्रेट्स भी बता रहा है इंडिया हमको सो so वी अगर हमारे देश में अगर किसी की मिलिट्री का कॉपरेशन चाहिए रहेगा फ्यूचर में और अगर आप लोग हमको चाहिए कि इंडिया के मिलिट्री के लोग कुछ जाके ट्रेनिंग दे ओमान के लोगों को तो मैं इंडिया के लोगों को बुलाऊंगा तो इससे इंडिया का वापस से पैसा बढ़ता है अब ये गाइस ये मत सोच के रखना कुछ लोग भाई देशभक्त ऐसे ना जाए कि इंडिया की आर्मी कभी दूसरे को साफ नहीं करेगी दूसरे गाइस इंडिया की आर्मी जाती है यूएन पीस कीपिंग मिशन में इंडिया की आर्मी बहुत अच्छी आर्मी है हर जगह सल्यूट मारते हैं लोग कि अच्छे काम भी करती है इंडिया की आर्मी लिटरली जो हमारी मिलिट्री लड़ाई ही नहीं करती रहती हमारी मिलिट्री बहुत कोऑपरेटिव है ये पब्लिक डिबेट में बहुत ज़्यादा है कि तोड़ देंगे फोड़ देंगे सबको पीछे छोड़ देंगे बंदूक से उड़ा देंगे ऐसे नहीं चलती मिलिट्री हमारी हमारी मिलिट्री सोच समझ के चलती रहती है हमेशा नहीं लड़ते रहते हैं चलिए तो ये करते रहते हैं आ, ये सब का तरीका बता रहे हो कि क्यों छोटी कंट्री से करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज सच उनके ऊपर अटैक भी होगा तो भी हम लोग मिलकर सामना करेंगे लेकिन गाइज ये चीज ध्यान रखिए कि और इसमें क्या होता है कॉपरेशन भी बढ़ते जाता है एक दूसरे के बारे में पता भी चलता रहता है कौन अव्वल है किससे पंगा नहीं लेना है कौन बादशाह ये सब करके क्या होता है एक हम लोग बोलते हैं कि ना फियर साइकोलॉजी बनाते हैं ठीक है डेटरेंट पॉलिसी डराते हैं बस एक दूसरे को तो सब लोग डर भी जाते हैं कि अच्छा मत करो भाई एटलीस्ट मत करो मत करो तो न्यूक्लियर वेपन बनाना ये सब डेटरेंट पॉलिसी है डरा दो बस तो रियल में देखिये तो वॉर नहीं होंगे इससे बहुत फायदे एक्सरसाइजेस के फायदे अगर कभी यूपीएससी पूछे तो हम लोग बता सकते हैं आउटकम्स के ये अच्छा क्वेश्चन भी हो सकता है यूपीएससी के लिए देखते हैं कब कि किस साल पूछता है क्योंकि अभी क्या एक्सरसाइजेस बहुत आ चुके हैं यूपीएससी में प्रीलिम्स के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है उन सबको सच एक्सरसाइजेस आर यूजफुल फॉर बोथ कंट्रीज पार्टिसिपेट कर बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज दैट है तो ब्राह्मो इंडिया का टेस्ट कर देंगे तो वियतनाम देखो खरीद लिया ऐसे और लोग भी खरीद लेंगे देन हेल्प टू नो एंड प्रैक्टिस द न्यू मेथडिंग प्रॉब्लम कैसे आ, बिना समझे कि चाइना की जो शिप है वो आ रही है लेकिन आपकी आप डर गए यहाँ पे छोटी कंट्री तो आप तुरंत अटैक कर दो चाइना का मौका मिल गया बोल दिया बाना कि तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया मैं तो वहाँ से ट्रेड करने जा रहा था मैं तो नॉर्मल अपना ये कर रहा था पेट्रोलिंग कर रहा था तो इस चीज को कैसे दूर करना है क्या स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है आप पहले अटैक मत करिए कैसे आप उसे और ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि ये अटैक कर रहा है कि नहीं चाहता है क्या है, ये ये भी जान सकते हैं तो ये सब जानते हैं हम लोग इस तरह से मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों बताए मजा आ रहा है कि नहीं आप लोग को द प्रोसेस ऑफ मॉडरेशन ऑफ आर्म्स गिव टू फर्दर रिसर्च टू जॉइन ज्वाइन दर्म फोर्सेज इज वन ऑफ द बेस्ट करियर फॉर यंग पीपल जवान्स जिसको बोलते हैं देर आर अबाउट एट सेक्शन इन इंडियन आर्मी वे वुमेन ऑफिसर्स कैन ज्वाइन ऑन शॉर्ट सर्विसेज एक होता है शॉर्ट सर्विसेज जब चौदह साल के लिए गाय एक होता है तीस पैंतीस साल के लिए तो औरतों को सिर्फ शॉर्ट सर्विसेज कमीशन जो होता है ओ टी ए जब मैंने सी डी एस क्लियर किया था गायस तो मैंने ओ टी ए ही क्लियर किया था क्योंकि मेरी एज ट्वेंटी टू से दो तीन महीना ऊपर हो चुकी थी तो मैं दूसरे आई एम ए व्यू एम ए के लिए ट्राई नहीं कर सकता था तो सिंपल सी बात थी तो मुझे ये क्योंकि जो एज लिमिट है ओटीए की वो चौबीस तक है तो मैं ओटीए ही क्लियर किया था जब सीडीएस क्लियर किया था तो औरतों को इसमें अलाउड है ये शॉर्ट सर्विस है सिर्फ चौदह साल का जॉब है लेकिन अगर आप बहुत ख़तरनाक हैं आपका आ, जो है स्किल है बहुत अच्छा है आपकी जो एडवाइस है वो बहुत अच्छी है तो आपको चौदह साल के ऊपर प्रमोशन भी मिल सकता है लेकिन मैं ये औरतों के बोल रहा हूँ कि औरतों को सिर्फ ओ में अलाउड है अभी वो आई में नहीं जा सकती और एयर फोर्स में नहीं ज्वाइन कर सकती मतलब ये सी वाले आर्मी के उसमें वुमेन कैन ज्वाइन थ्रू यूनियन पब्लिक सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन तो यूपीएससी सी की एग्जाम देती है आप लोगों को पता नहीं कमीशन है यू पी की एग्जाम कंडक्ट करता है यू पी की एग्जाम कंडक्ट करता है और यूपीएससी uh, जो आप देखते हो सिविल सर्विसेज कंडक्ट करता है यूपीएससी खुद में कोई क्लियर नहीं करता है यू जो एग्ज़ाम लेता है इंसान वो क्लियर करता है लेकिन एक डे टू डे की लाइफ है कि यूपीएससी क्लियर किए हैं फलाने के लड़के लड़की देर आर फ्यू रिजर्व सीट फॉर वुमेन कंप्लीटेड एन सी सी आप लोगों को मालूम है कैडेट का आप लोग का है जो कॉलेज लेवल पे होता है ना उसकी ट्रेनिंग चलिए अब यूथ रिलेटेड पॉलिसीज हम लोग देख सकते हैं भाई फटफट -फट करेंगे इंपॉर्टेंट भी है इसका राइट टू एक्ट और धीरे से आ जाएंगे स्टेट्स और हमारे चैप्टर्स खत्म बस डेढ़ पेज की कहानी और बाकी हम मित्रों बोलिए आपके कुछ इंटेल है आप लोग के पास कुछ जासूसी न्यूज है क्या आप लोग के पास बोलिए यस 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 इंडिया की मिलिट्री बहुत सपोर्टिव है ये बात तो सच है अत्यंत सत्य बात है ये चलिए इंडिया तो मचाल मचा रहा है एकदम ओके एक ही विकेट गया है <coughs> बोलिए दोस्तों आप लोग क्रिकेट, क्रिकेट कौन सा स्पोर्ट्स देखते हैं कोई स्पोर्ट्स पसंद है कि नहीं परफेक्ट आंसर परफेक्ट आंसर एज सच एस में करते हैं लेकिन वेरी गुड 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 प्रेम आउट ऑफ फुटबॉल के वॉलीबॉल uh, के uh, मीता सोनी जी फैन है यस yes, यस yes, आप लोग एक्सरसाइज करते हैं कोई कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं क्या आप लोग देखने में पसंद करें जैसे कि क्रिकेट मैं देखने में पसंद करता हूं लेकिन खेल नहीं पाता अब मैं खेल नहीं पाता ऐसा नहीं कि मुझे इंजरी है टाइम नहीं वैसा कहीं ग्रुप अब वैसा बन नहीं पाता है कि मजे के साथ खेलें या किसी क्लब का पार्टिसिपेंट नहीं हूं मैं तो वो सब नहीं कर पाता मैं अभी जिमिंग करता हूं मैं सिर्फ करने के लिए तो आप कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जो आप लोग करते होगा जस्ट टू नो कोई एक्सरसाइज करते हैं आप लोग लड़कियों के लिए तो ऑप्शन बहुत कम है यस बायलैटरल कोई नहीं है मल्टीलैटरल में इंडिया के साथ है ठीक है बोलिए बोलिए दोस्तों यस यस खान सर को जानते हैं अच्छी मेहनत कर रहे हैं बच्चों को अच्छा अवेयर करा रहे हैं लेकिन यूपीएससी में उनसे ज्यादा जो बताते हैं उससे ज़्यादा आता है बट एज सच वो जो जो हिसाब से जो इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं दैट इज गुड ग्रुप सी डी एग्जाम्स के लिए इवन ग्रुप टू के एग्जाम के लिए ठीक है अदरवाइज यूपीएससी में उससे बहुत ऊपर का क्वेश्चन पूछते हैं प्रीलिम्स ले लीजिए मेन्स ले लीजिए बट ही ही हीज अ वेरी इंटरेक्टिव वे ऑफ टीचिंग कुछ ना कुछ वो नॉर्थ की लैंग्वेज को यूज करके बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं सो इज अ गुड टीचर एंड अपियर वैसा अपियर भी होता है कि वो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किए हैं कोई ना कोई भले ओके होप फुली प्रेम हाउच मैं आप किसी भी आपके क्वेश्चन कोई क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँगा आप लोग अच्छा आप लोग तो बेचारे लोग लॉकडाउन में एनसीसी का पार्ट कहाँ से हो पाओगे ना एन सी सी ज्वाइन कर लिए होते तो आप लोग को फायर सी डी एस और एनडीए के एग्जाम में फायदा मिल जाता बोले दोस्तों स्ट्रीम रुकी दो सेकेंड का टाइम देना दोस्तों तब तक आप लोग अपने कमेंट लिखिए पानी पी के आ जाइए कितने देर का स्ट्रीम हो चुका है हमारा फोर्टी फाइव मिनट का हो चुका है एक ब्रेक दो मिनट का लीजिए गाइस और फ्रेश होकर मुझे क्वेश्चन तक बैठ के आंसर दीजिए फिर हम लोग जाएंगे अब रुकेंगे तो ये दास्ता सीधा खत्म करके ही मानेंगे हम मैं यहीं पे हूँ दोस्तों कहीं जा नहीं रहा हूं जैसा आप लोगों को रिलैक्सेशन के लिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ इनो इनोवेटिव तरीके के साथ में आता रहता हूं आदत डालना पड़ेगा हमको ज्यादा बड़े बड़े सेशन के अपने कमेंट्स लिखते रहिए कमेंट्स में कोई देरी नहीं होनी चाहिए लाइक में कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए लिखते रहिए लिखते रहिए जो भी डाउट है मैं एक साथ आकर सारे अभी एक मिनट में आपको सुलझा दूंगा बोलिए बोलिए दोस्तों एक वाटर ब्रेक मेरा भी हो गया पानी लेके नहीं बैठा था आज मैं खेलते हैं सर सर यस यू आर द बेस्ट आई लव योर ज्यूलॉजी अरे थैंक्स अ लॉट थैंक्स अलॉट तुम्हें परवनी पासन प्रेम हाउ सर तुम्हें ओ माय गॉड पवनी मराठवाड़ा थैंक्सॉट थैंक हाथ जोड़ के नमस्कार आप लोगों को इस मैं ये नहीं बोल रहा आप सब स्टूडेंट्स हमारे इंपॉर्टेंट है uh, हर एक जोन से जो भी बच्चा देखता है चाहे कहीं से भी देखे लेकिन परवन जोन से बच्चे देख रहे हैं बहुत मजा आया बहुत अच्छा लगा जान के और आप जियोलॉजी वो भी देख रहे हैं अनुषेख जी पुणे से अगेन ब्यूटीफुल सिटी ब्यूटीफुल सिटी तनुषेख जी सपना एक बार पुणे जाने का हम लोग का सबका सपका सबका सपना रहता है पुणे अब ऐसा जगह हो चुका है एकदम बढ़िया है मुंबई से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा हो चुका है वो रियलिटी में देखने जाएंगे आइज आप सो तो मुंबई से कहीं ज़्यादा अच्छा सिटी बन चुका है मुंबई बहुत क्राउडेड हो चुका है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक uh, हो चुका है कार गाड़ी uh, जैसे कि आप लोग आइज नोटिस की हो कि नहीं आप लोग जैसे बता देता हूँ मुंबई का कल्चर फेमस हो चुका है यूट्यूब के टर्म में अगर आप लोग हैं तो कार ले लीजिए एक फ्लैट ले लीजिए हाउस ले लीजिए कार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखिए या तो वाइफ या हस्बैंड ये चीज़ और क्या चीज कुछ तो ऐसे कुछ कॉमन कॉमन चीजें सब में दिखती हैं और हमेशा कहीं ना कहीं घूमते रहिए तो ये मटेरियलिस्टिक हो चुका है पूरा अभी पूरा इंडिया का मतलब पूरा पार्ट नहीं बोल सकता मुंबई रिलेटेड चीज़ों का बहुत ज़्यादा और एक डॉग पाल लीजिए ये सारी चीजें आप लोगों को कॉमनली दिखेंगे ये सारी चीज़ों में तो पूरा मटेरियलिज्म से भरा हुआ है पूरा मटेरियलिज्म से भरा हुआ है और कुछ नहीं हो रहा है तो जिम करने का दिखा दीजिए कहीं ना कहीं से मतलब ये किसी आ, 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 ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर चैनल के लिए यस 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 फोर्ट वाघारे ओके ओके अवेल वाघारे स्पोर्ट्स खेलते रहिए आप लोग लाइफ में बहुत फिट रहोगे स्पोर्ट्स बहुत अच्छी चीज है लाइफ में आपको ऐसा कॉन्फिडेंस दे देगा उस मूवमेंट के लिए यस यस प्रेम आउचर यस आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन योर रिक्वेस्ट सर जी प्रेम आउचर जी अनुषेख जी आप भी अच्छे से पढ़ाई करिए यस आई नो स्ट्रीम लंबे हो रहे हैं कल आपने लिखा था स्ट्रीम कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग यूथ की बात चल रही है इसीलिए मैं वो मौका छेड़ा आप लोग के सामने कि जो यूथ की बातें हैं यस 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 लॉ इज द बेस्ट ऑप्शन बीएससी बीए बीकॉम से तो बहुत अच्छा है लॉ का ऑप्शन पैसा भी अच्छा खासा इज्जत भी बहुत अच्छा है यूपीएससी से अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है गुड ऑप्शन लॉ इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन और बहुत अच्छे ऑप्शन बहुत अच्छे चांसेस हैं फ्यूचर में सबके अपने अपने एक लॉयर भी होंगे यस यस मेट्रोपोलिस करेक्ट आंसर दिया आपने यस परफेक्ट ज्योग्राफी के टर्म में थोड़ा सा अलग हो जाता है लेकिन गुड ये भी है ये भी ये वन ऑफ द दे इंडियन डेफिनेशन है मेट्रोपोलिस मैं डिस हो गया हूँ 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 अब दिख रहा होगा चलिए सो यूथ की बात है आप लोग के अंदर जज्बा है जुनून है सब कुछ आप लोग कुछ कल गुजर जाएंगे उसी आ, आ, के सारे आगे बढ़ते हैं इंडिया एज ए कंट्री मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन और इंडिया बहुत बड़ी कंट्री हो जाएगी आने वाले दिनों में भरोसा है मुझे इस चीज का मैं भले कितनी चीजें गवर्नमेंट के बारे में बताता रहता हूँ आप लोग को कि ऐसा है वैसा है लेकिन मुझे क्यों बताता हूँ क्योंकि आप लोग को दिक्कत पता रहनी चाहिए और इंडिया में बहुत लोग अमीर नहीं है हम लोग मिडिल क्लास बोलते हैं कि मिडिल क्लास ये गाने नहीं बनते मिडिल क्लास रियल में गाइस करोड़ों रुपए वाले होते हैं इंडिया में ओनली जो वोटिंग वोट देते हैं उसके सिर्फ थ्री टू फोर परसेंट सर ओनली वोट देने के लिए सोचिए उसमें बच्चे हटा दे बूढ़े हटा दे मतलब बच्चे हटा दे और कितने लोग के कार्ड नहीं बने होंगे इंडिया में वोट जो नहीं देते रहेंगे उनमें के सिर्फ फोर परसेंट पॉपुलेशन को मिडिल क्लास थ्री सू थ्री टू फोर परसेंट सिर्फ मिडिल क्लास है और ये डीमॉनिटाइजेशन जीएसटी और ये लॉकडाउन की वजह से वो रेशियो और नीचे आ चुका होगा तो हम सब अमीर नहीं है बहुत सिंपल सा लॉजिक है ला, सो वो चीज़ को याद रखिए तो मैं ये वो ज़रूरतें आप लोग की क्या लाइफ में याद रखना आप लोग आगे जाएंगे तो क्या आप लोग क्योंकि सक्सेसफुल होंगे मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है तो आप लोगों को क्या फॉलो रखना इसलिए बोलता हूँ लेकिन इसलिए मैं पढ़ाते वक्त आप लोगों को अवेयरनेस कराता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोग अवेयर रहिए और मैं भी जाना तो मैं भी इतना अवेयर नहीं था एज मुंबई कर मुंबई में था तो मुंबई की चीजें मुंबई ऐसा ही लगता था लाइफ की पूरा ऐसा लेकिन बाद में रियलिटी हिट हुई तो इसीलिए गाइज आप लोग का साथ और आप लोग खुद जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी हैं आगे चलते हैं आगे इंडिया के यूथ को लेके मुझे भरोसा है दो चीज़ तीन चीज़ लेके मैं सोचता हूँ कि इंडिया का या जो फ्यूचर है बहुत अच्छा एक है यूथ दूसरी है वुमेन तीसरा है इंजीनियर और चौथी चीज़ है वो इंडिया का सिविलाइजेशन की इंडिया के सिविलाइजेशन में से उठल पथल बहुत हुए हैं पहली बार नहीं कुछ ऐसा हुआ है कि हमने बहुत कुछ अलग कर दिया या कुछ हुआ है आ, इंडिया पीछे हुई है ऐसा कुछ है इंडिया बहुत बार हुआ है हमेशा अच्छी चीज़ें आगे उभर के आई हैं पुरानी चीज़ों को सब भूल गए बेकार चीज़ें जस्ट बेकार गिनी जाती हैं अच्छी चीज़ों को अच्छा गिना गया इंडिया सक्सेसफुल रही है और इंडिया विल बिकम सक्सेसफुल बी पॉजिटिव तोड़ जाइए एकदम जिस लेवल का कॉम्पिटिशन जिस लेवल की अवेयरनेस जिस लेवल का लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं यूथ ऑसम यू विल फील मेसमराइज वॉचिंग इंडियन यूथ वो वहां के फॉरेन के यूथ और वो हर जगह के थोड़े डाउन हो गए एनर्जी में उतने नहीं है हमारे यूथ ऑसम है मजे कर रहे हैं जिंदगी में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे यस चलो आगे बढ़ते हैं इंडिया से कंट्रो मैक्सिमम यंग पीपल है इंडिविजुअल ऑफ एज ग्रुप फिफ्टीन टू ट्वेंटी यूथ तो हम भी यूथ है मैं भी खुद एक यूथ हूं तब द यूथ इफ प्रोवाइडेड विद द अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज याद करिए मैं लिंक करके बताया था आप लोग को तो सोहम जी ने बोला था अपॉर्चुनिटी तो मैंने अमरते सेन का डायलॉग कि अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ऑफ एजुकेशन स्किल ट्रेनिंग मिल जाए कैन कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली छोटा मोटा नहीं बहुत ज्यादा इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया अ नंबर ऑफ सेंटर्स नेहरू युवा केंद्र संगठन वे एस्टैब्लिश इन 1972 बहुत अच्छी चीज़ें गई यूथ के अंदर ये आप लोग एक इंडिया ईयर बुक आती है इंडिया ईयर बुक आती है इसमें साल भर में इंडिया में क्या हुआ यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक उसमें साल भर में क्या हुआ वो हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं तो आप वहाँ पे ये वाले जो स्कीम्स हैं इनका नाम पढ़ोगे आप लोग यहाँ पे गाइज रहने खाने की फैसिलिटी होती है ट्रेनिंग होती है यंग जो लड़ लड़के लड़कियाँ डिसिप्लिन रहना चाहते हैं और लीडर बनना चाहते हैं अपने आ, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं साथ ही साथ और सारी चीज़ें लाइफ में करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है दिस सेंटर्स बिगेन ट्रेनिंग ये यंग पीपल फॉर वेरियस स्किल्स आज बहुत अलग अलग सेंटर सेंटर्स हो चुके हैं प्राइवेट सेंटर्स भी आई आई जो होते हैं ना वो भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं गाइज स्किल देते हैं वो लोग सिर्फ द प्रोग्राम रन बाय दी सेंटर्स वेयर इवेंचुअली मर्ज इन नेशनल यूथ इम्पावरमेंट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिए इसे दिस प्रोग्राम पुट अ थ्रस्ट ऑन टॉपिक लाइक लिटरेसी एजुकेशन ये सब हेल्थ हाइजीन साफ सफाई पे रखना फैमिली वेलफेयर मतलब दो बच्चे ही अच्छे ऐसा करके करना प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ क्योंकि यूथ को खुद नेचर पसंद होता है तो इसलिए टॉपिक छेड़ सकते हैं यूथ के साथ अवेयरनेस ऑफ सोशल इश्यूज जो मैं कर रहा हूँ देखिए इसमें से कौन से पॉइंट है जो मैं आप लोग को नहीं बताता हूँ मैंने बायोलॉजी तक पढ़ाया आप लोग जाके देखेंगे बायोलॉजी जो ट्वेल्थ वालों का इलेवंथ वालों का टेंथ वालों का सब कुछ पढ़ा है मैंने और हर एक चीज के ऊपर मैंने टच किया है तो कहीं ना कहीं यूथ के लिए ही मैंने ये बातें बोली है नो no डाउट तरीके और अच्छे से किए जा सकते हैं लेकिन कुछ चीजें हम अपने टर्म्स पे कंडीशन पे करते हैं तो वही मैं करता रहता हूँ और सब्सक्रिप्शन और लाइक करने के लिए आप लोग को बोलता रहता हूँ कि अपने टेलीग्राम पे अपने व्हाट्सएप पे कहीं पे भी आप इंस्टाग्राम पे जहाँ पे भी उसे सिर्फ प्रमोट कर दीजिए रूरल डेवलपमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद से अपना जॉब जनरेट करिए सब चीज़ों के ऊपर मैंने टच किया है कहीं ना कहीं हर बार हर पॉइंट में माता पिता का रोल क्या होता है बड़े बुढ़ों का रोल क्या होता है एक्सपीरियंस क्या होता है सब मैंने साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में बहुत डीप लेवल पे आप लोगों सब सारी चीजें बताया हूं चलिए ट्वेल्थ जनवरी इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद द ग्रेट लीडर ग्रेटेस्ट लीडर बोल सकते हैं इंडिया के आज रहते तो भारत में वो कुछ यूथ के लिए वैसा एक इंसान चाहिए जो कुछ खतरनाक मतलब सॉर्टेड इंसान चाहिए कंफ्यूज इंसान नहीं चाहिए भारत को आप भले गाइस आप बोलोगे सर कंफ्यूजन लाइफ का पार्ट है कंफ्यूजन से सल्यूशन आ चाहिए लेकिन मैं चाहता हूं कि प्लाटो जैसे सोक्रेट जैसे एरिस्टोटल हमारे चाणक्य जी जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी जैसे स्वामी दयानंद महर्षि जैसे ऐसे लोग होने चाहिए सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे सर भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद जैसे शॉर्टेड दिमाग के लोग चाहिए हमको इंडिया में कि प्रॉब्लम अपने पे ले रहे हैं लेकिन इंडिया के गाइड करें वैसे मजा ही आ जाएगा दोस्तों इंडिया एकदम दिवाली हर दिन लगेगी मैं ये थॉट सोच के ही मेरे दिमाग में ना कलरफुल थॉट्स आ गए एकदम तो ये बहुत अच्छा है, इंडिया अच्छा लग रहा है माहौल अभी लाइट लाइट लग रहा है इट इट इज ऑब्जर्ड एज अल नेशनल यूथ डे एग्जाम्स में आ सकता है छोटी मोटी एग्जाम यूपीएससी तो ये सबसे निर्वाहाना प्राप्त है यूपीएससी ये सब छोड़ चुका है कईय का ये सब क्वेश्चन पूछ के छोड़ चुका है एवरी ईयर नेशनल यूथ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी और आप लोग को फेबर के लिए तैयार कर देता है ये यूथ को तो अच्छा इस तरह से याद करिए ये पॉइंट रिमेंबर के एक तरीके होते हैं फेबर में चौदह फेबर को सब रेडी हो जाते हैं तो फेस्टिवल होता है जनवरी में द फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज जॉइंटली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कोई स्टेट गवर्नमेंट रोटेशन से आ जाती है महाराष्ट्र आ जाएगी गोवा आ जाएगी गोवा आ जाएगी तो आपके मजे मजे रहेंगे दिस फेस्टिवल इज डिजाइन टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर आर्टिस्टिक टैलेंट्स ऑफ इंड यंग इंडिविजुअल जैसे कि कुछ बहुत अच्छा ड्रॉइंग बनाते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा बना जाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये यूथ हॉस्टल गाइज देखिए ये देखिए चाहे रिक्शा खुद से निकाल लेना खुद से मेहनत करना ड्राइंग के लिए यूट्यूब पे ऐसे प्रमोट करने का एक तरीका रखना ये डेवलपमेंट नहीं है गाइज अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आपको कोई कंपनी रहे जो हायर कर ले आपको कोई इंडिया का स्कीम रहे जो पैसा दे आपको ना कॉम्पटिशन खिलवा दे वर्ल्ड लेवल पर आपको सपोर्ट आपके पास डांस का टैलेंट अच्छा है तो आपको पवर्वमेंट भी पैसा देनी चाहिए आपको कोई इंस्टीट्यूट खोलने का मौका मिलना चाहिए आपको डांस ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने का मौका मिलना चाहिए इसको डेवलपमेंट बोलते हैं डेवलपमेंट ये नहीं होता कि आप स्ट्रगल ही करें हमेशा ये सपोर्ट नहीं होता ये लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है कोई फैमिली के पास करोड़ों रुपये है तो वो तो कुछ भी खोल सकता है ना डांस सेंटर्स भले उनको डांस आता रहे चाहे ना आता रहे ये नहीं होना चाहिए कि हर यूथ यू, यूट्यूब पे उसका एक तरीका ही रहे कि यूट्यूब पे ही अपना टैलेंट दिखा पाए सिर्फ एक तरीका इंस्टाग्राम रहे ठीक है लेकिन ये नहीं होता है डेवलप अपॉर्चुनिटी ये नहीं होती दोस्तों मैं सब बता रहा हूँ आप लोगों को समझे कि प्रेम आचार्य मीता सोनी का ज्ञान अच्छा है तो इनको पैसा देकर सरकार को फट से अच्छी स्कीमों के लिए लगा देना चाहिए कि आप पढ़िए आप आई बनना चाहती हैं आप ये करना आप पढ़ना शुरू कर दीजिए इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी दे दी किसी ने आप माँ बाप के ऊपर टेंशन मत लीजिए कोई भी चीज़ का टेंशन मत लीजिए प्रेम आवसर जी को तिरंत बोले कि आप फुटबॉल में अच्छे हैं तो आपको हम पैसा देंगे आप जाइए स्टेट लेवल पे खेलने थोड़ा सा स्किल दिखाना पड़ेगा स्किल अच्छा है करिए उस पर आगे जाइए गलतियाँ होंगी सुधार लीजिए उसको ये इंडिया में इंडिया में सिर्फ क्या होगा जब आप ओलंपिक जीत के आएंगे तब आपके साथ सेलिब्रेशन किया जाएगा अदरवाइज जो गवर्नमेंट का बजट है वो सिर्फ सात करोड़ रुपया था सेवन करोड़ तो आज जो मेडल्स हमने देखे उन जो मेडल्स वो तो डबल डिजिट में हो सकते थे इंडिया के यूथ हॉस्टल्स लोगों को बा, कई बार ना पता नहीं चलता है कि वो स्ट्रगल उतनी स्ट्रगल नहीं होनी चाहिए कि कई बार किसी प्लेयर्स को लगे कि पैसे की कमी के वजह से मैं स्पोर्ट्स छोड़ दूँ मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था टैलेंट कई लोगों के पास है लेकिन वो फेमस नहीं हो पाते और कई बार जो फेमस लोग वो टैलेंटेड भी नहीं होते और कई जगह मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल देकर बता कि टैलेंटेड लोग भी करियर में अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी फेल हुए एक अच्छे कंट्री की निशानी होती है वो फेल नहीं होने देता यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है स्टैब्लिश यूथ हॉस्टल इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री क्या आपको ये बात पता है गाइस यूथ हॉस्टल्स हैं आप आप लोग के लिए आप अगर कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं पढ़ाई के लिए जा रहे हैं इंडिया में ही तो आप वहाँ पर रह सकते हैं ये बताया जा रहा है हमारे गवर्नमेंट द्वारा नहीं बताया जा रहा है हमारे यहाँ पे बताया जा रहा है कि अरे Uh, ये किया गया ये हो गया रिलीजन और रैशनलिज्म दीज हॉस्टल्स आर मैनेज बाय कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेन एंड रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट फिर से जैसे ऊपर वाला का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है सेम मैनेज ऐसे ही हॉस्टल्स रहते हैं वो मैनेज करता है स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूथ हॉस्टल एसोसिएशन वर्क फॉर इंकरेजिंग एडवेंचर स्किल्स अमंग द यंग पीपल देर आर अबाउट एटी थ्री हॉस्टेल्स इन इंडिया विच प्रोवाइड अकोमोडेशन फॉर यंग पीपल एट मिनिमम रेट्स होना चाहिए ऐसा होना चाहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर अरेंज बाय एसोसिएशन थ्रू भारत स्काउट्स एंड गाइड गाइड्स नेशनल सर्विस स्कीम्स एंड नेशनल कैडेट कॉप्स तो आप जो एन सी सी का पढ़ते हो ये फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस स्कीम वो है जहाँ पे आपको अगर टैलेंट है आपका स्किल है जॉब आप इजीली पा सकते हो नाम के लिए ऑनलाइन पोर्टल है कुछ यहाँ पे होता नहीं है ये इसलिए तो हमको म, म, मेडल भी एक ही मिलता यस यस आप लोग के बारे में बात है मेरे बारे में क्या है डाउन द लाइन तीन चार साल बाद मेरी यूथ एज चली जाएगी मैं कुछ प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में कहीं ना कहीं सेट हो ही जाऊंगा आप लोग का करियर पड़ा हुआ एटलीस्ट जो भी मैं बोल सकता हूं कर सकता हूं आप लोग किसी ना किसी सहारे से करवा के एटलीस्ट आप लोग अच्छे जाओ आपके पास अगर आप समझिए कि आप अभी करंटली ए जगह पे हो तो आपको गवर्नमेंट के सपोर्ट से एटलीस्ट मैं बी सी तक देखना चाहता हूँ ये नहीं कि आप कोशिश पे कोशिश किए जाओ कोशिश करने वालों की हार नहीं होती स्ट्रगल है लाइफ में आप अपने स्किल पे स्ट्रगल करें ना जैसे कि समझिए कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ मेरे पास मैं शॉट गंदा खेल रहा हूँ ऑफ वाला अब मैं ये थोड़ी देखूंगा कि घर में ज़रूरत क्या है मैं मानता हूँ कैसे कि प्लीज़ मैं कुछ कैसे बोलेंगे कि स्ट्रॉबेरी दुनिया रूहानी दुनिया का मैं बता रहा हूँ दुनिया ऐसी एग्जिस्ट होती है अच्छी कंट्री बनने के लिए सब करना पड़ेगा हमको मैं फैमिली के क्या दिक्कत चल रहे हैं मेरी एजुकेशन में मैं फेल हो जा रहा हूँ मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मैं क्रिकेट अच्छा खेल रहा हूँ ना उसको ध्यान दे दो ना सपोर्ट करो ना कहीं ना कहीं सरकार लेकिन अगर ये सब दिक्कतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो आपको ट्रेनिंग का पैसा नहीं मिल पाएगा अल्टीमेटली आप जो जिस चीज़ के लिए बॉर्न हुए थे जिस चीज़ से आप पैदा हुए हुए थे जिसके लिए आपके पास करेज था वो नहीं कर पाओगे सिंगर्स आप लोगों ने देखे रहेंगे स्ट्रीट सिंगर्स कितने सारे हैं ऐसे बहुत सारे बैट्समैन इंडिया में बॉलर्स हैं फुटबॉल प्लेयर्स हैं लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी ओनली अब आपके ऊपर नजर पड़े आ, बड़े बड़े किसी स्टार की तो आपको कहीं लेके जाए इंस्टाग्राम पर फेमस जाए तो वही बोला वो तरीका नहीं है इंस्टाग्राम और यूट्यूब आगे बढ़ते हैं मैं ये इशू पे बहुत ज्यादा खींच सकता हूँ बोल सकता हूँ चलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट दो में तो मिला फर्स्ट जो कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी आ, उस टाइम पे के ये रिफॉर्म्स थे उसने लेके आए थे गाइस आ, भारत को बहुत सारी चीजें जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी कांग्रेस की उस टाइम पूछने दी थी लेकिन मालूम उसके बाद सेकेंड वाले ने इतना खराब काम किया कि कांग्रेस से सबका भरोसा उठ गया और अभी तक भरोसा इतना कांग्रेस पर किसी का भरोसा है ही नहीं सर इंपॉर्टेंट चीज गवर्नमेंट को पब्लिक को बतानी चाहिए यस 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 यस, यस। आपको मैं बता दूं तो देखो मैं नाम मेरा नाम मेरे मचा मे, याद हो मेरी एज कुछ होगी मेरी कुछ आ, नाम होगा मेरा कुछ लोकेशन होगा मुझे सिंपल बता दे कि अजय आपके नाम पे कौन कौन सी स्कीम है पोर्टल बना दो दुनिया भर की बात प्लीज गई ये चीज प्रमोट करके क्वेश्चन एटलीस्ट रेज तो करो दिन दुनिया भर की बात करके फायदा क्या है आप आप बोलते हैं कि हम लोग यूथ को प्रमोट करेंगे मैं मोदी जी का नहीं किसी के बारे में बोल रहा हूँ राहुल जी बोले कोई बोले यूथ को प्रमोट करें एक ऐप बना दो ना कांग्रेस के पास भी खुद इतना सारा पैसा है एक्सपेंडिचर मत लगाओ आप एक काम करा दो का सरकार को आड़े हाथों में लेना चाहते हो कोई भी सरकार कल को कांग्रेस बनेगी या फिर से बीजेपी आएगी कुछ भी हो अपोजिशन कुछ पैसा डाल दे स्कीम बनवा दे मेरे नाम पे खुद बता दे कि दो दो हजार रुपया इलेक्शन में हजार एक पर्सन के पीछे बांटने से अच्छा है मेरे नाम की जो जो स्कीमें अवेलेबल हैं वो मेरे को एक ऐप में बता दे जानकारी ऐप नाम डाल दे आ? मैं भी जानकार करके रख दे वो ऐप में मैं जैसे ही खोलूँ तो मेरे लिए कितने घर के मॉडल हैं मेरे लिए कितना पैसा मिल सकता है मेरे इस एजुकेशन के हिसाब से मैं क्या नए कोर्सेज कर सकता हूँ मुझे कहाँ के फ्री के हॉस्टल अवेलेबल हो सकते हैं मैं कैसे और सारी पढ़ाई कर सकता हूँ और जॉब अपॉर्चुनिटीज मेरे हिसाब से कहाँ कहाँ हो सकती हैं एटलीस्ट स्कीम बता दो गवर्नमेंट की कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी प्राइवेट की छोड़ दो कौन कौन सी स्कीम लगी है मेरे ऊपर अब मैं यूज़ कर सकता हूँ बता दो समझ रहे हो दोस्तों सिंपल से एक ऐप बनाना बस एक ऐप हाँ एस के इनामुल सर आप फिलोसफी का क्वेश्चन ओके 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 यस यस आविल मेक आविल मेक आविल मेक आविल मेक फ़िलासफी का अच्छा अच्छा मैं जानता हूँ वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं मैं मिस कर गया उस चीज़ पे क्योंकि ऑलरेडी मैं जानता हूँ बच्चों के एग्जाम्स में आप बच्चों को वही चीज़ चाहिए और आ, और एटलीस्ट आप लोग को एग्ज़ाम में उसी से फ़ायदा भी हो जाता है गैस मैं करता हूँ करता हूँ कई लोग के एग्ज़ाम्स ऑलरेडी हो भी चुके हैं लेकिन गैस मैं कर दूंगा फटफट फटफट को मैंने बोला था कि मंडे से मैं लॉन्च करना शुरू करूँगा सिर्फ मैं पी बना के आपको अच्छे फॉर्मेट में देना चाहता हूँ विजुअल के साथ देना चाहता हूँ उसमें देरी हो रही है अदरवाइज मैं दे दूँगा आप लोग को ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं गैस सो राइट टू इंफॉर्मेशन कांग्रेस की जो दो जो फर्स्ट टर्म कांग्रेस थी उसकी ये बुनियाद थी और राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता क्या है जो मैं बता रहा हूँ ना जैसे कि अभी क्या है मैं मैं राशन कार्ड मेरे को समझो मेरा राशन कार्ड नहीं मिल रहा है मेरे को तो मेरे से घूस मांग रहे हैं जो ये जो वन शॉप राशन की दुकानें होते हैं ना घूस मांग रहे हैं मैं सीधा आर टी आई लिखूंगा जो हमारी फूड एंड कंज्यूमर डिपार्टमेंट है उनको लिखूंगा कि भैया ये राशन कार्ड मेरा क्यों नहीं बन रहा है वो एक महीने के अंदर मुझे रिप्लाई देंगे कि अजय आप तो अवेलेबल हो आप अपने कंसर्न अथॉरिटी का नाम लिख के बोलेंगे उनसे बात कर लीजिए तब कहीं मेरा काम हो सकता है वो लोग भी बोलेंगे हे आरटीआई गएगी आता तू चल जा आता तुला न देना जा ऐसा बोल के हटा देंगे मुझे पूछ दे दू पांच सौ रुपया सिर्फ दे दू मेरा काम हो जाएगा तो ये सब सारी चीजें जो आरटीआई है ये एक अच्छा स्टेप था पहले कुछ भी नहीं था कि मेरे पास कौन सी स्कीम है कुछ जान सकता हूँ कि नहीं सरकार के बारे में सरकार क्या काम करना चाह रही है सब मोदी जी की गवर्नमेंट कितना पैसा खर्चा की है गवर्नमेंट कहाँ पैसा लग रही है सब जानना है मुझे तो मुझे आर कर सकता हूँ गाइज़ और आप लोगों को बता दो गाइज़ आर के थ्रू इतनी तो बेकार बेकार न्यूज़ भी गवर्नमेंट की बाहर आई है ना गवर्नमेंट के करप्शन इतने बार कोलगेट स्कैम टू स्कैम ये सब आर के थ्रू बाहर आई है गाइज और कई बार आर टी एक्टिविस्ट को मार दिया गया है क्योंकि उसने जो इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी आ, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी कोल एक कोई गुजरात के जो रिसेंटली एक मिनिस्टर थे वो केस में फंसे थे उनको एक आरटीआई उनके उनका जो स्कैम था पूरा उन्होंने कौन कौन से माइंस खरीद लिए ये पता चल गया था तो उसको मरवा दिया गया तो आरटीआई बहुत पावरफुल चीज है सब मैगी <coughs> समझा नहीं मैगी से क्या रिलेटेड मैगी का समझा नहीं द काइंड ऑफ एक्ट वॉज फर्स्ट अप्लाइड इन स्वीडन इन स्वीडन में पहला आया था ये याद रखिए आर टी आई के ऐसा सेम फॉर्मेट आज से कितने साल पहले हो गए सोचिए भाइयों बहनों नियरली ढाई सौ साल पहले हो चुका है और हम यूरोप बनना चाह रहे हैं हम यूरोप बनना चाह रहे हैं मतलब इस हिसाब से सोचे ढाई सौ सो साल बाद हम स्वीडन जैसा हो पाएंगे ये हम ढाई सौ साल देखना चाहते हैं क्या नहीं भाई जल्दी जल्दी होगा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा इन नाइनटीन फोर्टी सिक्स यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर द राइट टू इन्फॉर्मेशन टू बी फंडामेंटल ह्यूमन राइट फोर्टी सिक्स में बोला था इसने हम कितने साल बाद लेके आए साठ साल बाद नियरली पचास साल साठ साल जोड़ लीजिए आप इन नाइनटीन एटी टू एल के कुलवल आर रेसिडेंट ऑफ जयपुर इन राजस्थान अल्टिविस्ट इनिशिएटेड इनिशिएटेड द प्रोसेस बाय्लाइंग टू नो द जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्क फॉर क्लीनिंग द सिटी यस 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 इवन गटर का काम भी कितना किसको कितने देर में करना ये भी पता चल सकता है आरटीआई से ये है कि आपको फुर्सत से टाइम निकालना पड़ेगा और वही तो नहीं है सबके पास इन अ केस फाइल्ड इन दिस मैनर द हाई कोर्ट गिव अ क्लियर वर्डिक्स स्टेटिंग दैट राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल इन 1919 अरुणा रॉय वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आर को लाने के लिए उनका नाम है ठीक बहुत 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 आई एस जो जानते होंगे पढ़ाई करेंगे अरुणा रॉय जी का नाम जरूर जानते हैं स्टार्टेड द मूवमेंट कॉल्ड एस मजदूर किसान शक्ति संगठन अ नीड फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन वॉज एक्सप्रेस थ्रू दूवमेंट मूवमेंट मूवमेंट चलाया गया इस अनशन पे बैठा गया इसके लिए लगातार लोग पोस्टर लेके खड़े थे आज क्या हो रहा है आज हिंदू मुस्लिम का डिवाइड गो बैक गो बैक यू ऑल पीपल हिंदू मुस्लिम डिबेट वाले इफ़ नॉट ऑन साइड होना चाहिए आरती पूजा करना करो बहुत शिद्दत से करो अगरबत्ती दिखाना दिखाओ भगवान के पैरों में गिर भी जाओ डेली उनकी पूजा याचना करो अपना <coughs> अपने परवर दिगारा से बात करो लेकिन ये चीज याद रखना है कि उसके चलते ये नहीं है कि मैं दूसरे वालों को झगड़ा करके बता दूं कि मेरा वाला जो रिलीजन है वो बेस्ट क्यों है ये फर्क समझना हमको ये फर्क पब्लिक जानती नहीं है पॉलिटिशियन इसी का मजा लेते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों द डिविजनल कमिश्नर ऑफ बिलासपुर ऑफ दैट टाइम हर्षमंदर ऑफिसर थे ये एक्स आई ऑफिसर थे जो छोड़ दिए शूट करेज टू डिस्कलोज ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन वाइल्ड सर्विंग एज अ ब्यूरोक्रेट देखिए लिखा है ब्यूरोक्रेट आई एस ऑफिसर को बोलते हैं इन्होंने इनफॉर्मेशन डिस्कलोज कर दी किसी ने मांगा दे दिया इन्होंने द इन्फॉर्मेशन ई डिस्कलोज वॉज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्राम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ग्रेन इन लू ऑफ डेली वेजेस आपने कल पढ़ा था ना कि डेली यहाँ पे देखिए आप कैसे बताओ पहले के जो प्रोग्राम थे गाइज वो थोड़े अच्छे थे या नहीं थे कैसे बोल सकता हूं कि अगर आप काम करोगे सरकार के लिए तब आपको अनाज मिलेगा उसके एवज में तो गाइज ये तो कहीं ना कहीं जमींदारी जैसा ही लग रहा है ना कि आप जमींदार के लिए काम करिए जमींदार खाना देगा तो मुझे वो सिस्टम में कल में से ही जब वो पढ़ रहा था या आपको बता रहा था मुझे उसकी बू आ रही थी और वो स्कीम अच्छा हुआ हट गया कि आप काम अब मन देगा में पैसा मिलता है फ्रीडम मिलता है कि आप पैसा कहाँ कौन से चीज़ में लगाना चाहते पहले गवर्नमेंट काम करके आपको गेहूँ चावल दे देंगे अरे ये क्या बात है मुझे गेहूँ चावल नहीं खाना है मुझे दूध पीना है तो ये सब सारी चीजों के लिए वो नहीं अच्छा था लेकिन उन्होंने इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो थी ओपन कर दी थी द स्ट्रगल इन टू थाउजेंड वन रोल इन महाराष्ट्र इन दिस मैटर द एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन महाराष्ट्र टू थाउजेंड फाइव महाराष्ट्र का सबसे पहले लोकायुक्त एक्ट महाराष्ट्र ने इम्प्लीमेंट किया था महाराष्ट्र भाई चुम्बेश्वरी राज, राज्य है आज देखो गाइज मैं जितना भी देखा चाहे आ, कोई भी गवर्नमेंट हो आ, स्टेट लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं सारी गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे स्टेट लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं सबसे बेकार काम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट कंपेरेटिव में और वो प्रेशराइज कर रही है स्टेट गवर्नमेंट को बार डे आफ्टर डे कोविड जब लगाना था लॉकडाउन लगाना था तो मोदी जी सामने से आके लगा दिए कि बाईस तेईस मार्च से लॉकडाउन लग जाएगा और जब उठाने की बारी आई तो बोलते हैं अब देखो इसमें खचरा भी है कि बढ़ भी सकता है केसेस तो क्यों ना हम स्टेट्स पर लाते हैं बात स्टेट्स को बोलेगा भाई तुम खोल दो अरे भाई वारे नारे अक्खियों से गोली मारे जब क्रेडिट लेना था तो आ गए और जब वहाँ पे चांसेस हैं कि कुछ अच्छा नहीं हो सकता तो स्टेट्स पे छोड़ दो तो मैं बता रहा कि स्टेट्स पे दबाव देना बहुत गलत चीज़ है चाहे यूपी की स्टेट है चाहे महाराष्ट्र के स्टेट्स अच्छा काम कर रही है कंपेयर टू आवर सेंट्रल गवर्नमेंट आज का करंट सिनारी ऐसा है आज से बीस साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम करती थी <coughs> अब इसका मतलब नहीं कि स्टेट इसका मतलब क्या है कि नहीं है कि इंडिया फेडरल हो गया, गया इसका मतलब है कि सेंटर बोलती है भाड़ में गए सब लोग तुम लोगों को कुछ मैटर नहीं है तो हम लोग अपने मजे में रहेंगे द डेफिनेशन ऑफ टर्म इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स अब इन्फॉर्मेशन क्या क्या आप निकाल सकते देखिए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स मेमोरेंडम मेमोरेंडम मतलब कि जो एग्रीमेंट हुआ था वो ई मेल कमेंट्स कंसल्टेशन प्रेस नोट्स सर्कुलर्स ये सब सारे सारे पढ़ लीजिए इसमें ठीक है ये सब इसका पार्ट है देखिए इन्फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट और एन इंडिविजुअल दैट इज अवेलेबल इन द ऑफ एनी पब्लिक समझिए कि अंबानी जी का है वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में इनका कितना पैसा आता है कितना खर्चा करते हैं मतलब ये इनका कितना टैक्स पैसा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में होगा तो ये इन्फॉर्मेशन में पूछ सकता हूँ आप आरटीआई में पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ सकते जैसे कि कल को आरटीआई लगा दो आप कि अजय यादव जो है उनकी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए तो वो मैं पर्सनल और मेरी प्राइवेसी है तो वो आपको नहीं देंगे लेकिन समझिए मैंने एक कंपनी खोल दी है या समझिए अंबानी जी कंपनी तो अंबानी जी का नाम है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है वो टैक्स विक्स पे करते हैं तो उनका इंफॉर्मेशन मिल सकता है लेकिन साथ ही साथ जो कंपनी ऐसी जो गवर्नमेंट में उसका रिकॉर्ड विकॉर्ड नहीं है कुछ नहीं है तो उसका नहीं ले सकते आप समझ रहे तो ये फ़र्क याद रखना प्राव आप प्राइवेट का इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते उसमें नहीं है पर्सनल लोग का नहीं ले पर्सनल नहीं ले सकते जैसे कि आप ये नहीं पूछ सकते कि आई एस ऑफिसर कितना खर्चा कर रहा है समझे कि हर्ष मंदर जी पिज्जा खाने में कितना पैसा खर्च करते हैं ये नहीं पूछ सकते आप वो पर्सनल लाइफ उनकी आई एस ऑफिसर की हाँ ये पूछे कि हर्ष मंदर जी ने जब आज कौन सा डेट है ट्वेंटी सेवेंथ ऑगस्ट को क्या काम किया था ये पूछ सकते आप राइट टू इंफॉर्मेशन ग्रांट्स एक्सेस टू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ये सब इसके लिए परमिशन देता है परमिशन टू अपटेन देयर कॉपीज टू गेट सैंपल लिखा हुआ कभी कभी वीडियो भी मिल सकता है आप लोग को कभी कभी ऑडियो भी मिल सकता है सब आपको मिल सकता है आर टी आई में सिटीजन कैन गेट डिजायरेशन आफ्टर सबमिटिंग एन एप्लीकेशन टू इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ अ पब्लिक अथॉरिटी तो आप ये इन ऑफिसर को लिखोगे लेटर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पता आप इवन अपने लोकल आ, जो आपके गवर्नमेंट है नगर सेवक पंचायत उनके बारे में भी आप पता कर सकते हैं दोस्तों अच्छा बैन ऑन मैजिक इन महाराष्ट्र वॉज टू बैथ जी हम बैन आ, मैजिक में कर रहे हैं लेकिन हमारे पूरे नेता लोग जादूगर हो चुके हैं <laughs> हमारे नेता लोग जादूगर हैं वो लोग वो ऐसे जादू की छड़ी घुमाते हैं कि सब उसके आटे में आ जाते हैं चलिए अब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन मतलब जो नए नए स्टेट्स बने उनके बारे में जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजादी के समय हमारे पास ज्यादा स्टेट्स नहीं थे क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स थे कुछ बड़े बहुत ज्यादा ब्रिटिश के कंट्रोल कंट्रोलर थे आज हम जो देखेंगे कौन कौन से स्टेट्स कैसे टूट के बने बहुत सारा डिवीजन हुआ वो देखेंगे हम लोग ठीक है चलो तो पहला हम लोग स्टेट्स पकड़ते हैं छत्तीसगढ़ अभी द डिमांड फॉर द्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ फॉर इन दिस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल इन प्री इंडिपेंडेंस टाइम मतलब आजादी के पहले ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इनको पढ़ना है कि ये आजादी से पहले इनकी मांग हो गई थी कि हमको क्या चाहिए खुद का एक अलग स्टेट चाहिए हाउ व स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन हेडेड बाय फजल अली रिजेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट है एसआरसी बोलते हैं क्या इसको एस आर सी ने एक्सेप्ट किया ऐसा क्वेश्चन पूछा यूपीएससी और या एक छोटी एग्जाम अगर आप देने तो एस आर सी ने छत्तीसगढ़ के फॉर्मेशन के लिए अलाउ किया था क्या जैसे कि अभी मराठवाड़ा विदर्भ को लेके है और ये सब को लेके क्या एस आर सी ने हाँ बोला था किस कमीशन ने हाँ बोला था कि मराठवाड़ा अलग स्टेट बनना चाहिए या विदर्भ अलग स्टेट बनना चाहिए किसने ना बोला था ठीक है इस तरह से करना होता है ये सब पढ़ना होता है इसमें कुछ ख़राबी नहीं है और फिर उसके बाद इन 1998 फजल अली का नाम भी याद है कि इंपॉर्टेंट है इन द सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश द प्रपोजल ऑफ क्रिएटिंग अ सेपरेट स्टेट छत्तीसगढ़ वॉर्ड अप्रूव लेटर बाय इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द सेपरेट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज क्रिएटेड तो देखिए ये क्या करते हैं ये इसका प्रोसेस क्या है देखिए आप लोग को ये प्रोसेस भी पढ़ना होता है कोई स्टेट करने के लिए तो आप पहले या असेंबली में लेजिस्लेटिव असेंबली में आप डालते हो असेंबली उस पर बात करती है पास करती है उसको बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट का वो सिर्फ हामी करवाना था कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने भेज दिया भेज दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट आप क्रिएट कर दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट फिर डिसीजन प्रेसिडेंट के पास करते हैं और प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर उसी दिन से वो अलग स्टेट्स बन जाता है अब इसके बाद आता है क्या इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ती है नो देर इज नो नीड टू डू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक ही केस मतलब किया गया था जैसे कि हमारे जैसे कि कुछ इशूज हैं वो अगर डील करने हो तो उसके लिए सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अदरवाइज दिस कैन भी डू थ्रू लेजिटिव प्रोसेस ओनली तो बाद में देखिए 1998 में इनकी मांग कंप्लीटली फील हो गई और मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश ऐसा है तो इसके पार्ट को इतने पार्ट को बीच में कट करके कर आज एमपी देखते हो बाजू में छत्तीसगढ़ हो गया अभी देखिए आप लोग मैं अपना मैप इंडिया का याद रखिए <coughs> दिखा दूं क्या आप लोग को चलिए नहीं तो फिर आप लोग उसी बहाने आप लोग छत्तीसगढ़ भी देख लेंगे छत्तीसगढ़ के तो कुछ न्यूज भी नहीं आते हैं छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा तेलंगाना ये सब क्यों तो हमारे इंडिया में लगता है न्यूज़ ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट का कुछ न्यूज़ ही नहीं आता है इंडिया में हमारे इंडिया में सिर्फ पंजाब राजस्थान उत्तराखंड यहीं से न्यूज़ आएंगे चलिए रोहित शर्मा जी की फिफ्टी भी हो गई गाइस इंडिया इज ऑन मूव नाउ गाइज ये देखिए ये पूरा मध्य प्रदेश पहले आजादी के पहले जो ये लोग डिमांड करते पूरा ये एक राज्य था फिर इनके बीच में बायफर्केशन होके ये छत्तीसगढ़ हो गया ये छत्तीसगढ़ जोन है हमारा ठीक है उसी के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ झारखंड बाजू में उदिशा ठीक है अब बिहार का भी देख लीजिए यहाँ पे इसे क्लियर कर देते हैं आप देखेंगे बिहार झारखंड एक था पहले अभी बताया था यहाँ झारखंड ये दोनों एक थे ये बाद में अलग हुए ऐसे यूपी और उत्तराखंड पहले एक थे फिर ये दोनों अलग हुए ये गुजरात और ये वाले जो पार्टी हमारी ये सब एक थे बाद में दो हुए थे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक थे अब अलग हो गए इस तरह से आप लोग देखेंगे तो मैं आप याद करने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों आगे बढ़े चले देखिए रिसेंट वाला ट्वेंटी ट्वेंटी वन के हिसाब से ये देखिए कश्मीर को अलग जम्मू कश्मीर को अलग ले लद्दाख को अलग कर दिया है मित्रों भाई बहनों समझा कि नहीं समझा चलिए उत्तराखंड द पीपल ऑफ गरवाल एंड कुमार जिसे पहाड़ी भी बोलते हैं हम लोग वी आर डिमांडिंग अपरेट से थर्टी अगेन प्री इंडिपेंडेंस कि बहुत हुआ सम्मान बेटा बहुत हुआ सम्मान हमको अलग दे दो इट वॉज सपोर्टेड इन इनटीन थर्टी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फजल अली कमीशन ये ऐसा मत समझे कि फजल अली जो है हर चीज को ना क्यों बोल दे रहे भारत को ना टूटने देना नहीं चाहते थे उस टाइम पे पीपल इन द रीजन डिमांडेड जैसे कि छत्तीसगढ़ में भी गाइस ऐसा नहीं हुआ कि तुरंत ये 1998 में एकदम डिमांड एक्सेप्ट कर लिया स्ट्रगल चालू था कंटिन्यूस

स्टेब्लिश इन नाइनटीन फोर द मूवमेंट गॉट इंसेंटाइड एंड द रिक हो गया असेंबली में देखिए फिर से आ, पहले असेंबली में पास किया जाता है बिल देखिए देखिए पास करते हैं असेंबली जैसे बताया कि पहले असेंब्लीवल पर बाद में सेंट्रल गवर्मेंट उसको चेंज कर देती है फाइनली दो हजार में उत्तरांचल और बाद में इसका नाम उत्तराखंड रख दिया गया उत्तरांचल रखा गया था सिंपल का इस हर जगह यही चीज हो रही है ईयर याद कर लीजिए कब बना था ये छोटे मोटे एग्जाम में एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में पूछ देते हैं 2000 में ये बटा था और ना हमारे 88 में छत्तीसगढ़ बना था अब झारखंड बता दिया आप लोगों को जो हमारा उसी तरह से कि अगेन 1929 में सेपरेट स्टेट की डिमांड की गई थी पहली बार प्री इंडिपेंडेंस कोई डाउट है कि गाइस अभी तक आप लोगों को कि मैं बढ़ते रहूं कुछ दिक्कत नहीं है ना हाँ अच्छा हाँ नीता सोनी जी आपने अच्छी बात की हमको फॉरेन कंट्रीज की न्यूज़ आ जाती है कि यार अरे मैं तो देख लिया भाई एक दिन तो हमारे सलून में भी बात हो गई तालिबान क्या करता है ये तालिबान वाले का है ये तालिबान क्या करता है सब लोग तालिबान को लेके मतलब भी अवेयरनेस क्रिएट हो गई मैं बोला कि यार सही है अच्छी चीज़ है अवेयरनेस होनी चाहिए लेकिन हमारे झारखंड में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता यार हमारे नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है हमारे मणिपुर में क्या हो रहा है हमारे अरुणाचल में क्या हो रहा है हमारे त्रिपुरा में क्या हो रहा है किसी को पता चल रहा है क्या वहां पे लॉकडाउन में क्या कंडीशन थी टाइप्स क्या खा कमा रहे थे क्योंकि वो तो बेचारों के जल जंगल जमीन हमने छीन लिए उनको हमने खेती करना थोड़ा मोटा छोटा छोटा, छोटा चीज सिखाया था अब फिर वो लॉकडाउन में क्या खा रहे थे नहीं पता हमको यस ना यू पीपल विल बी अवेयर ये सब न्यूज़ देख के फ़ायदा है ही नहीं कुछ न्यूज़ है ना लाइफ में, में मेरी कुछ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस डालेगा ना ही मेरे करियर में कुछ इंपॉर्टेंस है ऐसी न्यूज को बकवास न्यूज समझ के हटा देना चाहिए एवरी इन्फॉर्मेशन इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ सिंपल सा जैसे कि हर एक दवा अच्छी नहीं होती आपके हेल्थ के लिए हर मेडिसिन आपको अच्छी नहीं होती इसी तरह हर एक न्यूज आपको नहीं कंज्यूम करनी होती है आई एम वेरी पीसफुल आई डोंट वॉच न्यूज चैनल्स एनी न्यूज चैनल आई फॉलो ओनली न्यूज पेपर एंड दैट इज वेरी स्पेसिफिक न्यूज पेपर वो स्टेज फॉर फर्स्ट टाइम इन नाइन ऑल इंडिया झारखंड पार्टी वॉज पब्लिश्ड वो स्टेबलिड एंड सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ अगेन वही चीज ये चीज बार बार देख रहे हो कि सेपरेट स्टेट मांगना चाहेंगे 73 में एन अपील होगा प्रेजेंटेड टू प्रेजिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर कभी कभी आप जो ये असेंबली ना माने लोकल असेंबली में तो आप प्रेसिडेंट को जो ये स्टेप बताया था ना मैं आपको लोकल असेंबली में पहले जाता है फिर वो प्राइम मिनिस्टर के पास मतलब प्रेसिडेंट के पास जाता है सीधा प्रेसिडेंट को भी आप लोग लिख सकते हैं In 19 बिहार झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल 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 ऑटोनॉमस काउंसिल ऐसे इंडिया में बहुत सारे हैं हम नॉर्थ ईस्ट में ऐसे बहुत सारे ऑटोनॉमस काउंसिल ऑटोनॉमस काउंसिल मतलब क्या, लोगों को जैसा ही देते हैं लेकिन हाँ वो पार्ट बिहार का ही था भी झारखंड अलग नहीं हुआ है सिर्फ काउंसिल बना के छोड़ दिया दे के देखिये आप चाहे तो आपको जो करना है जो पैसा लगाना है सब करिए आप लेकिन बने रहिए बिहार में ही फिर दो में बिल प्रोवाइडिंग बिहार डिविजन एंड क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट झारखंड वॉज पास इन लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट तो ये लोकसभा में लेके जाएगा ऑन द सेपरेट अगेन 2000 में एक अलग स्टेट क्रिएट कर दिया गया अब तेलंगाना जब सब सबसे लेटेस्ट है मतलब सब स्टेट ऑफ तेलंगाना वॉज फॉर्मड इन टू थाउजेंड फोर्टीन चौदह साल बाद इट वॉज दल पार्ट ऑफ जैसे बता दिया आंध्र प्रदेश तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को मालूम है तेलंगाना इज लाइक like बेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग क्या परफॉर्म कर रही है तेलंगाना कोविड से रिलेटेड वैक्सीनेशन से रिलेटेड उनके जो सी एम है वन ऑफ द दी एम है गाइस आप लोग को मीडिया भले बहुत सारी चीज बताएगी वहाँ के सीएम को पाइप के कितना कितने पाइप लाइन हुए कितने रोड हुए पॉलिटिक्स वो भी जानते हैं कि पॉलिटिक्स क्या होता है जितना कैसे होता है अब इलेक्शन में क्या बोलना होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो सुधरे हुए हैं लेकिन वो डेवलपमेंट पे काम करते हैं गाइस गो एंड फॉलो कि अभी देखिए तेलंगाना के सीएम क्या क्या काम कर रहे हैं प्लीज जाके देखिए कभी जब से तेलंगाना बना है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रिजल्ट एकदम ऑसम सुपर रिजल्ट है उनके स्टार्टेड द मूवमेंट फॉर अ क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट इन तेलंगाना 2001 में देखिए नहीं होने वाले क्योंकि हमको पता दो हजार में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द डिसीजन ऑफ दिस सेपरेट स्टेट ऑफ तेलंगाना लेकिन 2014 में दिस प्रपोजल वॉज अप्रूव्ड इन पार्लियामेंट एंड ऑन सेकेंड जून ये समय से में सेपरेट स्टेट ही वॉज़ क्रिएटेड चलिए हो गया अब जम्मू कश्मीर में अब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल थ्री हमारे को मालूम है थ्री सेवेंटी ख़त्म कर दिया गया है और मतलब उसको रिपी मतलब उसको जो सरकार है उसने उसको क्या बोलते हैं उसको रिपील कर दिया है हाँ और इसमें दो इसको स्टेट को करके दो यूटी में बता दिया गया है ठीक है अब इसकी स्टोरी कर लेते हैं नाइनटीन फोर्टी सेवन प्रेमनाथ डोगरा स्टैब्लिश जम्मू प्रजा परिषद पार्टी इनिशियल मोटो मोटोवर्स एक विधान एक प्रधान एक निशान लेटर इन अच्छा है नाइनटीन फिफ्टी एट वर्स चेंज टू एक देश में दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे <laughs> अच्छा है दिस पार्टी डिमांडेड कंप्लीट एक्सेशन अब जम्मू कश्मीर टू इंडिया मतलब ये जो पार्टी थे गैस आप लोग को मालूम है उस टाइम पे तीन टाइप की फोर्सेस थी जैसे हरि सिंह जो थे वो तो इंडिया में एक्सेशन करा चुके थे वही टाइम पे एक हुरियत जैसे लोग थे जो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे वहीं पे कुछ और हरि सिंह जैसे लोग थे मतलब जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग पाकिस्तान से अलग रखना चाहते थे वो सेंस में और कुछ लोग थे जो इंडिया में मिलाना चाहते थे तो ये इंडिया में मिलाने वालों का एक एफर्ट है द पार्टी इन द पावर ऑटोनमी ऑटोनमी मतलब क्या उनका तो वो नहीं चाहते थे श्याम प्रसाद मुखर्जी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई उस टाइम पे थे इन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर आप लोग कई बार कोल्ड uh, माइंड के स्कीम्स भी देखेंगे ब्रिलियंट लीडर वो जैसे कि आगे चल के देखोगे आप तो बीजेपी इनको फॉलो करती है बीजेपी इनको सपोर्ट करती है आ, लेकिन ये गाइस सपोर्ट भी नहीं कर मतलब जैसे कि नेहरू जी की कुछ कुछ पॉलिसी को पसंद भी नहीं करते लेकिन फिर भी इंडिया के लिए इन्होंने काम किया मैं वैसा ही चाहता हूं आप लोग कि आप लोग वैसे ही कि भले हमारे ओपिनियंस अलग हो लेकिन हमको कुछ ना एक कॉमन एजेंडा पे काम करना होगा सपोर्टेड द डिमांड ऑफ कंप्लीट मजर तो ये देखिए

ठीक है दोस्तों दोस्तों मित्रों संग संगिनियों, बोलिए बंधु बंधिनियो मजा आया कि नहीं आया आप लोग को बोलिए अब अलविदा कहने का समय आ चुका है अलविदा कहने का समय आ चुका लाइक दबा के करिए गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चिल्ड्रन, बाय बाय हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे सायोनारा लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा प्यारे बच्चों मन के सच्चों यस जैसे कि यस सर एक बहुत अच्छा डायलॉग बोलते हैं मस्त रहें जबरदस्त रहें